अभी भी बंद आ रहा है डैड। अरे 9 बज गए, कम से कम फोन तो करना चाहिए था उसे। रिंग हो रहा है। हेलो मॉम, आप कहाँ हो? 3 घंटे से कॉल कर रही हो। मॉम आ रही है। आई थिंक यू शुड गो नाउ। कुछ नहीं हुआ। ट्रस्ट मी डैड, मूड ऑलरेडी खराब है। अगर वो आपका यहाँ देखेगी, शी विल एक्सप्लोड। मैं आपको बचा नहीं पाऊंगी। कुछ नहीं हुआ। मैं खोलता हूं दरवाजा। देरी हो लो। आज विजिटेशन डे है क्या? नहीं, आई थॉट लीला यू एंड आई वी कुड व्हाट सेलिब्रेट? चंद्र विमान का फेलियर या मेरे करियर का डेथ? इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड मो, आई एम हियर। ताकि तुम सबको दिखा सको कि तुम कितने सपोर्टिव कूल एक्स हस्बैंड हो और मैं कितनी एंबिशियस बिची एक्स वाइफ हूं। मो, लीला सुन रही है? मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए अभी। कल स्कूल नहीं है क्या? अरे अरे डोंट वरी डैड, आई विल बी फाइन। लोग कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है। माँ कसम, ये लोग मुझे मिल जाते ना, सर फोड़ देती मैं इनका। किस्मत के बिना मेहनत कुछ नहीं है। और किस्मत, मेरी किस्मत ने तो प्रूव कर ही दिया था कि मौशमी इक्वल्स टू बैड वाइफ, बैड मदर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अ फेल्ड साइंटिस्ट। मैंने तो ऑलमोस्ट गिव अप कर लिया था, लेकिन नंदिता ने नहीं। और चंद्र विमान के फेलियर के 2 साल बाद ISA फिर पहुंचा दिल्ली, इस बार मार्स मिशन का फंडिंग मांग ले। मैम, डॉक्टर के मुरलीधरन, चीफ ऑफ ISA, आप तो जानती हैं। दिस इज विनायक मोहंती एंड दिस हियर। इंट्रोडक्शंस रहने दीजिए मिस्टर मुरलीधरन, मैं जानती हूँ सबको। आप स्टार्ट कीजिए प्लीज। मैम, आफ्टर द सक्सेस ऑफ चंद्र विमान 1, व्हिच वाज आवर मिशन टू मून। 1 मिनट, सक्सेस ऑफ चंद्र विमान 1, ये कब हुआ मिस्टर वर्धन, पता है आपको? मैम, चंद्र विमान 1 को 76 टास्क कंप्लीट करने थे, जिसमें से उसने सक्सेसफुली 73 टास्क कंप्लीट किए, विच इज 95% सक्सेस रेट। चंद्र विमान 1 मिशन अनाउंस कब किया गया था? 2001। चाइना ने अपना मिशन कब अनाउंस किया था? 2003। चाइना का मिशन मून पर कब पहुंचा था? 2006। और चंद्र विमान मून पर कब पहुंचा? 2007। इसका मतलब है हम चाइना से हार गए। तो फिर चंद्र विमान 1 मिशन ये सक्सेसफुल कैसे हुआ मिस्टर मुरलीधरन? मैम, लेट मी एक्सप्लेन दिस। आउट ऑफ द 76 पैरामीटर्स, द मोमेंट वी आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। अगर हम चाइना के साथ स्पेस रेस में हैं एंड चाइना बीट्स अस विथ मोर देन 1 ईयर टू स्पेयर, तो हमारा मिशन सक्सेसफुल कैसे हुआ? Can you explain that? Ma'am, चंद्र विमान 1 का अनाउंसमेंट 2001 में हुआ, जिसका हमें फंडिंग 2005 में मिला। रही बात 95% नॉट बीइंग इनफ, तो इस देश में 26% वोट के साथ भी लोग सरकार चला रहे हैं सक्सेसफुली। कुछ भी वोटिंग से। आप डिबेट बहुत अच्छा कर लेती हैं। प्लीज स्टैंड अप, आई कांट सी यू प्रॉपरली। अफसोस की बात यह है, जिसके लिए आपको सैलरी मिलती है ना, वो काम आप ठीक से नहीं कर पा रही हैं। वो आपका ही ऑल्टीमीटर था ना, जो चंद्र विमान 1 पर फेल हो गया था, डॉक्टर मौशमी घोष। एंड यू आर टेलिंग मी अबाउट माय इलेक्टोरल मैंडेट। नो, दैट इज गुड, दैट इज वेरी गुड, नाइस वन, रियली नाइस। वर्धन, ये मीटिंग तुम संभालो, हमें बहुत सारे काम है। Really must apologize. दरअसल चंद्र विमान 1 के लिए बहुत इमोशनल है हम लोग ISA में।
पॉलिटिशियंस को ना सच सुनना आता है और ना सच कहना। खैर कहिए, मीटिंग का एजेंडा पूरा करते हैं। चंद्र विमान वन के लॉन्च के वक्त हमने एक मार्स मिशन की बात की थी। यस, आई रिमेम्बर। आप एक फीजिबिलिटी रिपोर्ट बनाकर पीएमओ को प्रेजेंट कीजिए। आई सी व्हाट आई कैन डू। थैंक यू। वो क्या था मौशमी? मैंने बोला था डोंट टेक मी विद यू फॉर द मीटिंग। बट दैट्स नॉट द सॉल्यूशन। तुम अब एक टीम लीडर हो। यू मस्ट नो हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस। परम परम, तेरी मम्मी का फोन उठाओ। या मॉम, कहाँ हो तुम? घर पे हूँ। क्या कर रहे हो? बस पढ़ रहा था, अभी उठाऊ। तुम्हारा अगला प्रोजेक्ट सेमीकंडक्टर्स पे है ना? या मॉम भाई, मैंने एक रिपोर्ट लिखी है सेमीकंडक्टर्स पे, मेरे कैबिनेट में है, एक बार पढ़ लेना, वेरी इंटरेस्टिंग। नो नीड मॉम। नो नीड क्यों? पढ़ लो एक बार। और कुछ नहीं तो इंस्पायर हो जाओगे। मॉम मैंने ऑलरेडी सबमिट कर दिया है। क्या? तुमने बताया नहीं मुझे तुमने सबमिट कर दिया। गॉट टू गो नाउ, सी यू एट होम, बाय। अरे परम परम परम, ही हंग अप ऑन मी। मी, अगले साल इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम है और सारा दिन झूठ बोलकर क्रिकेट खेलता है ये लड़का। पता नहीं क्या रिपोर्ट सबमिट करके आया है। मैं तो क्या नहीं, तुम इमोशंस पे कंट्रोल करने का बात कर रही थी। मैं नोट्स ले रही थी। सबसे कह देना कल सुबह टाइम पे आ जाएंगे, मुरली सर को डीब्रीफिंग करनी है। नोटिंग। और यह समय जो है संतान प्राप्ति के लिए बहुत। आज कौन? मिसेस शर्मा। ये अच्छा है डॉक्टर साहब, आप हर महीने दर्जनों औरतों को प्रेग्नेंट करके आओ और उसकी खुशी की मिठाई खाकर मैं प्रेग्नेंट लगती हूँ। क्या करें, the perks of being married to the city's best gynecologist। वो तो है। वैसे प्रेग्नेंट लगने के और तरीके हैं। जैसे? जैसे कि प्रेग्नेंट होना। क्या? कल बताऊंगी। कल क्या हो रहा है? मुरली सर ने मीटिंग बुलाई है। कल पता चलेगा कि मिठाई खाकर प्रेग्नेंट लगना है या प्रेग्नेंट होकर मिठाई खानी। मीटिंग का एजेंडा क्या? टेली गए थे मास मिशन के फंड्स मांगने। जूते पड़े, वही बटे गए। इतनी बुरी है क्या मीटिंग? डोंट आस्क। क्या नहीं पूछे आपसे मिस्टर विनायक मोहंती? साइंटिस्ट होकर आप सवालों से घबराते हैं? नहीं सर, वो तो बस ऐसे ही। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। एक सवाल है आप सबसे। हु डू यू थिंक पेज फॉर एवरीथिंग दैट वी डू एट द आईएसए? चाय के कप से लेकर चंद्र विमान तक, इसके पैसे कौन देता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिर्फ एक मीडियम है। हमारे असली एम्प्लॉयर ये है, हमारे असली मालिक। दीज आर आर रियल एम्प्लॉयर्स, द कॉमन इंडियन सिटीजन। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए और याद रखिए, अगर आप चाहें तो आप अपने क्यूबिकल्स में लगा के रख सकते हैं। ये मिशन टू मून, ये मिशन टू मार्स, ये हमारे प्रोफेशनल असाइनमेंट नहीं है, इन लोगों के सपने हैं। सपने जिससे ये दुनिया को बताना चाहते हैं, जिससे ये चाइना को बताना चाहते हैं कि हम किसी से कम नहीं। ये लोग खुद पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं फिर भी हमें पैसे भेजते रहते हैं रेगुलरली विदाउट फेल। नाउ इजंट इट टाइम दैट वी डोंट फेल देम? इजंट इट टाइम फॉर अस टू मेक Each Indian proud। चांद तक के रेस में हम चाइना से हार चुके हैं, लेकिन इस बार रेस मार्स की है और इस बार हारना ऑप्शन नहीं है। Yes, sir. I want a proposal from ISA. How do you plan on taking India to Mars? And I want it ASAP. ASAP. Mr. Mondi. Yes, sir.
Yes, sir. We've got to take India to Mars. Are we ready to take India to Mars? Yes, sir. Let's have the proposal ASAP. हमें दिल्ली को एक फीजिबिलिटी रिपोर्ट बनाकर भेजनी है टू सेंड एन ऑर्बिटर मिशन टू मार्स. इट्स ऑन राइट? नॉट येट. अभी हमें सिर्फ फीजिबिलिटी रिपोर्ट बनानी है, दैट्स इट. पर क्या-क्या मेंशन करना है? एवरीथिंग. मिशन का कॉस्ट क्या होगा, मिशन कब और कैसे लॉन्च होगा, क्या क्या डेटा कलेक्ट करेगा, एवरीथिंग. ग्रेट. ये सब इस साल करना है राइट? इस साल नहीं निखिल, इस क्वार्टर. क्वार्टर कैसे होगा, ऑलरेडी इतना वर्क पेंडिंग है, द टीम्स आर ऑल टाइड अप. इस क्वार्टर हमारा डिवीजन सिर्फ ऑर्बिटर मिशन टू मार्स पे काम करेगा. वन मिनट नंदिता. एक्सक्यूज मी. मिशन टू मार्स नहीं, मिशन ओवर मार्स. मॉम नाइस. व्हाट डू यू थिंक गाइस? नाइस, इट्स अ ग्रेट आइडिया. दैट्स ग्रेट, वंडरफुल. मॉम मॉम तो कभी निराश नहीं करती. सो देन मॉम इट इज. किस्मत से दूसरा मौका मिला था और मैंने डिसाइड कर लिया इस बार मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ना है. yes, yes. हाँ, 6 बजे तक मिल जाएगा. यस यस, डोंट वरी. ओके. मॉम मैगी बनाइए. ये ले लो. यक, नो, चाइनीज फोन है भाई. तो आईफोन ना. चाइनीज है तो क्या हुआ, काम तो करता है ना. दादू. बेटा, चाइनीज मतलब चला तो चांद तक वरना शाम तक. क्या बात कर रहे हो अंकल जी, चांद छोड़िए, चाइना तो मंगल पहुंचने वाले हैं. क्या क्या बोला? न्यूज नहीं देखते आप? एक मिनट. तो चाइनीज स्पेस रिसर्च एजेंसी के सूत्रों से ये बड़ी खबर निकलकर इस वक्त सामने आ रही है कि आज जसदौर कॉस्मोड्रोम से चाइना ने अपने महत्वाकांक्षी मिशन टू मार्स वांगू 1 को सफलतापूर्वक तरीके से लॉन्च कर दिया है. इस मौके पर चाइनीज स्पेस रिसर्च एजेंसी के प्रवक्ता ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इस मिशन से चाइना ना सिर्फ स्पेस को एक्सप्लोर करेगा बल्कि पूरी तरह से डोमिनेट भी करेगा. तो चाइना स्पेस को कैसे डोमिनेट करेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस लॉन्च के साथ ही चाइना ने अपने पड़ोसी भारत के ऊपर अपना वर्चस्व साबित जरूर कर दिया है. अरे कोकोनट ऑयल में जो खाना बनता है ना, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है. सच्ची. अब मार्स मिशन छोड़ो, दिल्ली तो मैंगलोर तक का पिकनिक के लिए भी फंड्स नहीं देगा. क्या बोला? नहीं नहीं, मैं यहाँ बात कर रहा था. अपना पिकनिक तो ऑन है कसम से. मैं बस अभी आया. हाँ अभी. हाँ हाँ. इंडिया, आईएसए, मौसमी, एक साथ हम सब हार गए थे. दुख हार का नहीं था, दुख तो ये था कि लड़ने का भी मौका नहीं मिला. हेलो. हाँ मौसमी, नंदिता बोल रही हूँ. हाँ नंदिता. सो रही हो क्या? नहीं, बोलो क्या हुआ? वो चाइना मिशन टू मार्स, गेस करो उसका क्या हुआ.
कैच कर गया। तुम्हें कैसे पता? चाइना का माल है, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। क्या हुआ? क्या मिशनों का मां जिंदा है, बॉम्ब में से लाई इंफॉर्मेशन लाइक मार्स में हाइड्रोकार्बन है कि नहीं, मार्स में पानी है कि नहीं, एंड वी विल ब्रिंग बजट कट्स के चलते एमसीडी मंगोलपुरी तक पानी नहीं पहुंचा पा रहा है, और आपको मार्स पे मंगल पे पानी ढूंढने के लिए फंडिंग चाहिए। आप साइंटिस्ट लोग, मिस्टर वर्धन, ये जो साइंटिस्ट है ना, ये अपनी एक दुनिया में जीते हैं। एनीवे, आगे बताइए। मैम, प्लीज सी दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। हम लोग चाइना को मार्स की रेस में डिफीट कर सकते हैं, और इंडियन टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी को हम वर्ल्ड स्टेज पर प्रूव करने का इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। प्लीज। चलिए, आप कहते हैं तो मान लेते हैं। चंद्र विमान की तरह इस बारी भी चाइना से स्पेस रेस में जीतने के लिए दिल्ली आपको इस मिशन के लिए फंडिंग देती है। क्या आप मुझे गारंटी दे सकते हैं कि पिछली बारी की तरह इस बार आप फेल नहीं होंगे, आप हारेंगे नहीं? मैम, दिस इज अ मिशन, इसमें हम लोग नहीं, अगर हम चाइना से कंपीट करते हैं और आप मुझे जीत की गारंटी भी नहीं दे सकते, तो इससे तो बेहतर ही होगा ना कि हम कंपीट ना करें। कम से कम हारेंगे तो नहीं हैं? क्यों? पर आपको क्या लगा? आई मीन, जो कुछ भी हुआ आपके सामने ही हुआ, लेकिन पता नहीं। देखिए, आपने जो प्रपोजल प्रेजेंट किया है उसमें आईएसए और इंडिया दोनों का फायदा है। दैट्स राइट। नहीं, लेकिन उसमें पॉलिटिशियंस के लिए कोई फायदा नहीं है। आपको सबसे पहले वो प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। आई एम सॉरी, मैं समझा नहीं। क्या मॉम लोकसभा इलेक्शन से पहले लॉन्च हो सकता है? 2015, right? 2014. Roughly around 18 months. अगर मॉम 2014 से पहले लॉन्च होता है, then we become the people who beat China in the space race. फिर आपका स्पेस व्हीकल पीएमओ के लिए पीआर व्हीकल बन जाता है। आप भी खुश, पीएमओ भी खुश। कर सकते हैं? अच्छा, आप अपनी टीम के साथ कंसल्ट कर लीजिए, फिर आप लोग मुझे बताइए कि बैंगलोर क्या कर सकता है, और मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली क्या कर सकता है। आप चाय पीजिए ना, ठंडी हो रही है। पी रहे सर, थैंक यू। तो मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर, और एक ऐसी खबर जो मुझे पता नहीं कि अच्छी है कि बुरी। आप लोग ये सोच के बताइएगा। अच्छी खबर यह है कि दिल्ली मॉम फंड करने के लिए तैयार है। लेकिन बुरी खबर यह है कि वो फंडिंग सिर्फ एक शर्त पे करेगी, अगर हम मॉम के लॉन्च को 2016 की जगह 2013 में करें। What? Instead of 54 months, हमारे पास सिर्फ 18 महीने, less than one third the time. और तीसरा खबर? तीसरा खबर, आप सब साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, टीम लीडर्स, आप
सबको पूछे बगैर मैंने दिल्ली की शर्त मान ली है। Mom will fly. That means over the next 18 months, Mom ISA का number one priority नहीं होगा, ये ISA का only priority होगा, और हमारे सारे resources will be dedicated for Mom. अब आप बताइए ये खबर अच्छी है कि बुरी? अच्छी है। तुमार्स आज मैं जितना खुश थी उतना खुश मैं अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं हुई। नेवर। लीला जब पैदा हुई तब भी नहीं। ए, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम नॉट अ बैड मॉम। वेल, सबसे बेस्ट भी नहीं हूं, लेकिन मॉम बनने की खुशी से कहीं ज्यादा खुशी मुझे मॉम को स्पेस भेजने के मौके से मिली। मॉम मार्स नहीं जा रहा है, आप चिंता मत कीजिए, आपके सारे चैनल्स ऑन शेड्यूल एयर पे जाएंगे। एंड इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी मिस्टर जीजी बॉय। नहीं मिस्टर गोखले, मेरे सैटेलाइट लॉन्च की रिस्पांसिबिलिटी आईएसए की है। आई एम आईएसए। 40 साल अपनी जिंदगी के 40 साल मैंने आईएसए को दिए हैं। नथिंग हैपेंस इन आईएसए विदाउट माय नॉलेज। मेरे सैटेलाइट लॉन्च को प्रायोरिटी लिस्ट से निकाल कर मार्स मिशन को प्रायोरिटी लिस्ट पर डाला है, ये बात आपको पता थी? हाँ, मैं ये भी बात जानता हूं कि मार्स मिशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं आएगी। ऐशो, चाय पीते हैं ना? आईएसए में कुछ महीनों तक सिर्फ चाय ही पी जाएगी। बजट अप्रूवल के लिए फाइनल प्रपोजल भेजना है। नीतू, मॉम कब लॉन्च होगा, कितना वेट कैरी करेगा, क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, एवरीथिंग। यस मैम, ठीक है। प्रपोजल दिल्ली भेजना है, इसलिए लेट्स कीप इट सिंपल। निखिल, मौसमी, मैंग जी, आपकी फाइल थोड़ी मोटी है क्योंकि आपकी टीम सबसे बड़ी है। मेरी टीम सबसे बड़ी है क्योंकि हम लोग बहुत सारे अलग अलग काम कर रहे हैं। इट्स नॉट एज इफ मॉम इज द ओनली थिंग ऑन माई प्लेट। मुरली, आईएसए के प्लेट पे सिर्फ मॉम नहीं है, और बहुत सारा काम है, जैसे कि ग्लोबटेल है, जियो सेंसिंग है। हमें रिसोर्सेज बहुत केयरफुली यूज करने चाहिए। पर सर, मुझे रिसोर्सेज की जरूरत होगी। आपको पता है कि ऑर्बिटर मिशन कितना एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। अरे कौन कहता है मॉम को ऑर्बिटर मिशन ही बनना है? माफ कीजिए, मैं आपकी बात समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। हमारे मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए हमारे सैटेलाइट को बिल्कुल मार्स के पास से गुजरना पड़ेगा, ताकि मार्स की ग्रेविटी उसे वापस खींच ले और हमारे सैटेलाइट मार्स को ऑर्बिट करता रहे। विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, एज साइंटिस्ट एट आईएसए, इस मिशन के रिक्वायरमेंट्स के बारे में हमें पता है। और दिल्ली की रिक्वायरमेंट नंदिता, चांद्र विमान एक के फेलियर के बाद दिल्ली हमें दोबारा मौका नहीं देगी। हमें सक्सेसफुल मिशन चाहिए, और दिल्ली को भी। तो ये बेकार की चीज है क्यों? ऑर्बिटर मिशन के कॉम्प्लेक्सिटीज को अवॉइड करते हैं, अपने टारगेट, अपने बुलसाय को बड़ा करते हैं, फ्लाई बाय मिशन करते हैं। इसमें हमारा सैटेलाइट मार्स से पास से गुजरेगा, और जितना भी डेटा मिलेगा हमें भेजता रहेगा। मिशन सक्सेसफुल, दिल्ली भी खुश, हम भी खुश। क्यों मयंक? Brilliant idea, sir. Fly by mission route free up a lot of resources. हम लोग simultaneously mom के साथ अलग काम भी कर सकते हैं। Globetel का project है। वैसे भी सर, जनता को क्या पता fly by और orbiter में फर्क क्या है? Excuse me? जी? मगर हमें तो पता है ना, fly by mission is just a waste of time and resources. इसका कोई scientific value नहीं है। हम लोग इस देश के सबसे काबिल scientist हैं, और हमें अपनी काबिलियत पर भरोसा तो करना चाहिए ना। Mom एक opportunity है सर, and we should take it. हमें दुनिया को दिखाना चाहिए कि आईएसए क्या कर सकता है, इंडिया क्या कर सकता है। जैसे आपने दिखाया था चंद्रयान 1 के टाइम, वैसे। मेरा फेलियर तो बस एक बहाना था। फ्लाई बाय मिशन तो वो आइडिया था जिसे आईएसए का रिसोर्सेस देश के नहीं बल्कि कुछ कॉर्पोरेट्स के फायदे के लिए यूज हो। किसी और को कुछ कहना है? सर, दोनों आइडियाज के अपने मेरिट हैं। नो निखिल, जब 2000 पीसेस का पजल कर सकते हैं तो 50 पीसेस का क्यों करें?
मुझे भी यही लगता है सर। क्या लगता है सर? ऑर्बिटर, ऑर्बिटर मिशन या नंदिता, व्हाट इज योर ओपिनियन? सर मेरी ओपिनियन आईएसए के प्रपोजल के कवर पे है। मॉम स्टैंड्स फॉर मिशन ओवर मास, नॉट जस्ट अ मास फ्लाई बाय मिशन। सो मैंने आपको क्या कहा था, मैं मेरे साइंटिस्ट को जानता हूं। ये लोग जितने ब्राइट हैं उसे कहीं ज्यादा ब्रेव। इन लोगों को आसान सवाल पसंद नहीं, मुश्किल जवाब पसंद है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मॉम का सफर दिल्ली का डर नहीं, भारत के सपने तय करेंगे। राइट राइट। आप मिशन प्रपोजल दिल्ली भेजिए अनचेंज्ड। यस सर। और एक बात, इस मिशन की कोऑर्डिनेटर होंगी नंदिता। ऑल कम्युनिकेशन विल बी रूटेड थ्रू हर। नंदिता मिशन कोऑर्डिनेटर बन गई और ये भी डिसाइड हो गया कि आईएसए काम करेगा तो सिर्फ और सिर्फ मॉम के लिए, इंडिया की शान के लिए। थैंक यू मैडम मिशन कोऑर्डिनेटर, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू मौसमी। थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। तुम्हारा साथ? पता है ना मॉम आईएसए कमीशन है। हाँ, बट यू नो व्हाट आई मीन। आई नो, तभी कह रही हूँ। बोर्डरूम में खड़े होके ब्रेवरी और साइंटिफिक एम्बिशन की बड़ी बड़ी बातें करने से मिशन सक्सेसफुल नहीं होते। अगर अगले 18 महीने में हमने डिलीवर नहीं किया तो इस सब के कोई मायने नहीं है, है ना? या ओके या श्योर। आज चांद को देखना मत भूलना। Honestly, it's going to be gorgeous. चांद को आजकल अवॉइड ही करती हूँ मैं। Reminds me of my failures. You still thinking about what Nandita said? Hmm? Well, वो सही बोल रही थी। बातों का टाइम खत्म हो गया है। We have to deliver now. Yeah, but isn't that something that you've always wanted? Especially since Chandra Viman. भूखे आदमी से खाना हजम नहीं होता। I've been hungry for this opportunity for a long, long time. But अगर फेल हो गई तो? No, I'm sure you won't. But it, you know, it's क्या? I'm just not so sure about your team. क्या मतलब? It's just that they're missing an essential. You know what? You could get Megan. Megan. पागल है वो। हाँ, थोड़ी सी पागल है, लेकिन she's also really good. She's one of the best analytical minds. निखिल? Yeah, Nikhil's way too laid back to properly guide her. वो काम तुम कर सकती है। मेरे ex-husband निखिल के टीम की best engineer. मतलब हमारे बीच कस्टडी की बैटल पहले लीला के लिए हुई थी, अब मेघन के लिए होने वाली थी। हेलो। मौसमी। हाय निखिल। कैन आई टॉक टू यू फॉर अ मिनट? श्योर। तुम मेरी टीम से मेगन को पोच करने की कोशिश कर रही हो? रिसोर्स रीएलोकेशन का रिक्वेस्ट डाला है, उसे पोचिंग नहीं कहते। कितना बड़ा मिशन सर पर है मौसमी, और तुम्हें पता है मेगन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ माय टीम, फिर भी तुम एम्बिशन के अलावा तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता है क्या? ओ निखिल प्लीज, आई नो यू आर नॉट मैन एनफ टू अंडरस्टैंड और हैंडल माय एम्बिशंस। नो प्लीज, मैं जो भी कर रही हूं ना मिशन की भलाई के लिए कर रही हूं। अच्छा, और मेरी टीम को तोड़ने से मिशन की भलाई कैसे होगी? प्लीज डू टेल मी। मेघन तुम्हारे ग्रुप में वेस्ट हो रही है बिकॉज़ यू आर टू लेजी टू गाइड हर। ओके, मेरे ग्रुप में आएगी, आई विल गाइड हर, इट विल बी गुड फॉर हर एंड फॉर द मिशन। कम ऑन मौसमी, ये सब बातें उसको बताना जो तुम्हें जानता नहीं है। ऑलराइट, तुम्हें मेघन चाहिए बिकॉज़ यू आर स्कैर्ड। हां, स्कैर्ड? स्कैर्ड ऑफ व्हाट? स्कैर्ड कि मॉम भी कहीं दूसरा चंद्र विमान ना बन जाए। And you are scared because Megan के बिना तुम्हारा mediocrity expose हो जाएगा। How dare you? झूठ बोला क्या मैंने? हाँ? Aren't you here because Megan के बिना तुम्हारा team disband हो जाएगा? बहुत बढ़िया। Very nice. बहुत अच्छा example set करें आप दोनों अपनी teams के लिए। नंदिता, निखिल came here. मौसमी please. निखिल यहाँ पे आया क्योंकि तुम उसकी team से Megan को poach करने की कोशिश कर रहे हो, right? But come on.
एनीवे, मेगन ने अपना फैसला ले लिया है और उसका कहना है कि मौशमी एक अच्छी इंजीनियर है और उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बट मैं उसके साथ काम नहीं करूंगी क्योंकि उसके साथ काम करना एक सरदर्दी है। Yes. ग्रो अप। मिशन डेडलाइन में सिर्फ 17 महीने और 27 दिन बचे हैं। बेहतर होगा अगर सीनियर्स सीनियर्स की तरह बिहेव करें, ना कि स्कूल के बच्चों की तरह। परम, 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 तुम पैनकेक्स के साथ बटर लोगे या मेपल सिरप? कुछ भी मॉम। नहीं नहीं कुछ भी नहीं, एक चीज सोच के बताओ। सीरियसली मॉम, कुछ भी चलेगा। अच्छा, स्क्रीन सेवर अच्छा है तुम्हारा। थैंक यू। ब्रेकफास्ट रेडी है, जल्दी आ जाओ। आप खाना नहीं खा रहे हो? क्यों? भूख मर गई मेरी। मिशन के टाइमलाइंस का प्रेशर ना, आपको ये ट्राई करना चाहिए। MSLV ये लोग सही दिन पे लॉन्च नहीं कर रहे हैं, बहुत रिस्क है। और इसको सरवाइव करने के लिए जो कुछ भी चाहिए सब कुछ इन अ पिल विदाउट। तू सुन भी रही है मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, यू वरीड दैट MSLV टेस्ट फेल कर जाएगा। हाँ, और तू वरीड नहीं है? नहीं, क्योंकि मुझे पता है MSLV टेस्ट पक्का फेल करेगा। क्या पहला टेस्ट है? एवरी रॉकेट फेल्स द फर्स्ट टाइम। तुझसे कभी कुछ अच्छा नहीं बोला जाता है ना, और सब क्या है? दिस इज अ जीनियस प्लान टू टैकल द वर्क प्रेशर ऑफ द मिशन। सो व्हाट यू सब बजट लिमिटेड है और काम अनलिमिटेड, उसके ऊपर से प्रोक्योरमेंट, टेस्टिंग, डिजाइनिंग, बहुत कुछ है सर। नंदिता, मैंने तुम्हारा मिशन प्रपोजल पढ़ा है, मुझे पता है मिशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सर फिर तो आपको ये भी पता होगा कि सिर्फ 74 मिलियन डॉलर्स में इतने बड़े स्केल का मिशन सक्सेसफुली कैरी आउट करना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है। चलते चलते बात करें। नंदिता याद है पार्किंग लॉट में चिड़िया गाड़ी गंदा करती थी? जी सर। तो एडमिन ने सलूशन दिया कि पेड़ काट दो, तो हम लोगों ने यह बनाया, एक स्टैंडर्ड अल्ट्रासोनिक वेव जनरेटर। इससे चिड़िया यहां से दूर रहती है और पेड़ काटने की जरूरत नहीं पड़ी। नंदिता, बॉम इंडिया के लिए एक बड़ा मिशन है, लेकिन इंडिया के पास इससे भी बड़ा एक मिशन है, हमारा ISA। ये इंडिया का वो मिशन है जिससे इंडिया प्रूव करना चाहता है कि हमारे सपने हमारे रोज की रियलिटी से कहीं ज्यादा ताकतवर है। मॉम इंडिया का सपना है और ये छोटा सा बजट इंडिया की रियलिटी। सर आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, लेकिन इस वक्त मुझे सच में नहीं पता कि मैं कैसे कर पाऊंगी। देन फाइंड आउट नंदिता, कल MSLV का लॉन्च है, मैं तुम्हें कल तक का टाइम देता हूं। कोई ऐसा रास्ता ढूंढ निकालो जिसके चलते इंडिया के सपनों को इंडिया की रियलिटी रोक ना पाए। हमारे पास बजट है 74 मिलियन, जबकि हमें चाहिए 187 मिलियन। क्या किया जा सकता है? यहाँ से कुछ काम कर सकती हूँ। ओके, 175 मिलियन।
ये यहाँ से कुछ निकाल देती हूँ और यहाँ से भी कुछ कम हो सकता है. ओके सो नाउ 162. ये चारों को भी हटा देती हूँ. 147. कैसे, अभी तो डबल है. कुछ और कम करना पड़ेगा. और तो कुछ हटा भी नहीं सकती. 74 मिलियन में कैसे होगा ये? दिल्ली चाहती है कि हम फेल हो जाएं. इंडिया में सपने हम चांद सितारों के देखते हैं, लेकिन उन्हें सच करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो हमारे पास है ही नहीं. इंडिया के सपनों और इंडिया की रियलिटी का कोई मेल नहीं है. आखिर वो मिशन जिसके लिए अमेरिका ने 700 मिलियन खर्चे थे, उसे हम 70 मिलियन में कैसे अंजाम देते? इस सवाल का जवाब मैंने पूरे दिन ढूंढा, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं मिला. हमारा देश समझौतों के बीच फंसा हुआ है और इस बजट में हम वो कभी नहीं बन पाएंगे जो हम बनना चाहते हैं. इस मिशन में इंडिया का हारना पक्का है और मैं इंडिया को हारते हुए नहीं देख सकती, इसलिए आई गिव अप. मैं नंदिता हरिप्रसाद रिजाइन कर रही हूँ एज प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर मिशन ओवर मार्स. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि नॉर्थ ईस्ट में कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन वॉल्यूम कम करो ना, बहुत ज्यादा काम कर रही थी. इस बात को लोग जो जिन्हें पता है वो समझ रहे थे कि इस तरीके से क्या हुआ परम सो गया है? नहीं, कंबाइंड स्टडीज के लिए गया. आलोक मैं अभी आती हूँ. कहाँ जा रही हो? सुनो जी, तुम विशाल हो ना? हाँ आंटी. बेटा मैं परम की मॉम हूँ. हेलो आंटी. परम कहाँ है? परम तो बैटिंग कर रहा है. उसको कहना मैं आई हूँ. ओके आंटी. थोड़ा जल्दी. हाँ जी आंटी. बैट पे फोकस कर, ग्रिप करना. क्या Excuse me? जी कहिए. क्या वाकई लोग यहाँ रात के 12 बजे के बाद भी प्रैक्टिस के लिए आते हैं? आते हैं, क्यों नहीं आते? जिनका क्रिकेट पैशन है 12 क्या 2 बजे भी आते हैं. कहाँ है मॉम? यहीं पर तो थी. Are you sure? I swear bro. उन्हें कैसे पता चला मैं इधर हूँ? क्या पता. ए, यहां पे कोई बैठा है? कौन? तुम्हें उसे क्या क्या हुआ? कोई मर गया क्या? तो फिर पता नहीं, कल रात भर नंदिता मैम ऑफिस में थी. कुछ बड़ा ही अनाउंसमेंट होगा. क्या? यही, इट मस्ट बी अबाउट नॉन परफॉर्मेंस, यू नो, क्योंकि कुछ लोग टीम वर्क नहीं कर सकते. टीम वर्क का मतलब वर्किंग फॉर मोस्ट में नहीं होता. वो जिसके मियां ब्रेक हो गए. गुड मॉर्निंग. जैसा कि आप सबको पता है, मॉम इंडिया के लिए एक मेक और ब्रेक मिशन है. या तो हम स्पेस रेस में चाइना को हरा देंगे या हमेशा के लिए चाइना से हार जाएंगे. कहते हैं टाइम इज मनी, बट सैडली इस मिशन के लिए हमारे पास ना तो टाइम है ना मनी. ये मिशन सक्सेसफुली लॉन्च हो सके इसके लिए हमें अपने वर्किंग स्टाइल में
कुछ मेजर चेंजेस करने होंगे। टू बिगिन विद, आज से लेकर मॉम के लॉन्च तक किसी को कोई लीव नहीं मिलेगी। आईएसए और उसके सारे लैब्स 24/7 खुले रहेंगे। आईएसए के सारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स 15 घंटे की शिफ्ट में काम करेंगे विदाउट एनी ओवरटाइम। मैं जानती हूँ इस तरह के काम के लिए बहुत से पर्सनल सैक्रिफाइसेस करने होंगे, बर्थडेज मिस करने होंगे, शादियाँ पुश करनी होंगी और भी बहुत कुछ करना होगा। इसलिए अगर किसी को भी ये लगता है कि ये मिशन इन पर्सनल सैक्रिफाइसेस के वर्दी नहीं है तो वो इसी वक्त इस मिशन को छोड़ के जा सकता है। आईएसए उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेगा। थैंक यू मैम। मैम एमएसएलवी फेल हो गया। एमएसएलवी देश का ऐसा इकलौता रॉकेट था जो मॉम को मार्स के रास्ते भेज सकता था, और एमएसएलवी के क्रैश होते ही हमारे सपने भी क्रैश हो गए। बच गए भैया हम, नहीं तो आने वाले 18 महीने हमारी लग जाती है। सही बोला। किसने बोला ये? आपने? नंदिता मैंने तो बस और आप भी थे ना साथ में। आप दोनों का इस मिशन में कोई काम नहीं है, आप लोग जा सकते हैं। नंदिता देखो मैम, राइट नाउ रॉकेट्स फेल होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। अगले 3 महीने में एमएसएलवी टीम फिर से टेस्ट करेगी और वो सक्सेसफुल होगा। एक बात आप सब लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए, ना ये मिशन बंद हुआ है ना बदला है। सो लेट मी आस्क एवरीवन वन लास्ट टाइम, अगर आप में से किसी को भी ये लगता है कि आपकी जिंदगी के अगले 18 महीने इस मिशन से ज्यादा जरूरी हैं, ज्यादा कीमती हैं, तो इसी वक्त आप ये मिशन छोड़ के जा सकते हैं। मैंने सुना एमएसएलवी फेल कर गया। इसका मतलब मिशन नहीं। क्यों? रीटेस्ट होगा 3 महीने बाद, और अगले हफ्ते से सबकी 15 घंटे की शिफ्ट होगी। ओके। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ राजा? I think सिर्फ मैं ही हूँ जिसे ये सब कुछ चाहिए, बच्चा, family, you know, maybe you don't want any of this। नहीं राजा, मुझे भी वो सब चाहिए जो तुम्हें चाहिए, बच्चा, फैमिली सब, पर मुझे मार्स पे ऑर्बिट करता हुआ 100% इंडियन सैटेलाइट भी चाहिए। क्या मैं कुछ ज्यादा चाह रही हूँ? क्या मुझे दोनों में से कोई एक चुनना पड़ेगा? नहीं, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें चुनने की। I'm sorry. लैब टाइमिंग्स हैव बीन अलॉटेड, ये रही आपकी कॉपी और आपको मेल भी आ जाएगी इसकी। इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। Really? क्या? 6 AM लिखा हुआ है। वो मिस्टेक नहीं। क्या मतलब? मतलब नाइट शिफ्ट्स मौसमी की, मॉर्निंग्स आपकी और निखिल आफ्टरनून्स आपकी। But any more questions? Thank you. Thank you. Thank you. तीन
महीने में MSLV का टेस्ट फिर से होना था और हमें पूरा उम्मीद था कि इस बार MSLV सक्सेसफुल होगा फॉर श्योर राकेश वो कंपोनेंट्स के दो डिजाइन मांगे थे ना मैंने वो दो जरा मैम अभी भी काम चल रहा है मैंने सुबह मांगा था ना तुमसे वो डिजाइन पूरा रात भर यहाँ पे बैठकर काम करो मुझे रिपोर्ट चाहिए टुमारो मॉर्निंग आज MSLV का फाइनल टेस्ट आज जैसे ही MSLV टेस्ट पास करेगा तो फिर मॉम को मार्स पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता नो वन आपको भी वेकेशन में मंगल में भिजवा देते ये फूल नए कपड़े मिठाई जो सब लोग एक दूसरे के मुस्कुराते चेहरों पे ठूस रहे थे ये लोग भूल कैसे सकते हैं कि अभी अभी तो हम लोगों ने चाइना के साथ स्पेस रेस हारा था सब लोग इतना नॉर्मल कैसे बिहेव कर रहे थे और मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा था क्या मुरली सिर्फ लाइट्स और स्वीट्स नो रॉकेट्स जोक था यार हैप्पी दिवाली सर हैप्पी दिवाली एवरीबॉडी हैप्पी दिवाली टू यू सर साइंटिस्ट इंजीनियर्स व्हाई सो सीरियस आप सबको लग रहा है शायद मॉम इज डेड ऐसा नहीं है हम सब ने जो मेहनत की है वो वेस्ट नहीं होगी अगले साल या फिर उसके उसके अगले साल दिस मिशन विल बी सक्सेसफुल हैव फेथ राइट नाउ एंजॉय योरसेल्फ तुम इतना इरिटेटेड क्यों तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्या मतलब चंद्र विमान फिर मॉम दो दो फेलियर्स बैक टू बैक तुम्हारा तो करियर ही खत्म हो जाता डोंट टेल मी यू डिडंट नो दिस मिशन हैड नो चांस Just because चंद्र विमान के फेलियर की जिम्मेदारी मैंने ली मयंक जी इसका मतलब ये नहीं कि वो फेल सिर्फ मेरी वजह से हुआ क्या बोलना चाहती हो तुम मेरा डिजाइन ऑल्टीमीटर फेल हुआ ये तो आपने सबको बताया लेकिन किसी को ये नहीं बताया कि वो फेल क्यों हुआ डिजाइन फ्लॉट था इसलिए फेल किया इसमें बताने की क्या और आपका लिथियम बैटरी उसका क्या जिसकी वजह से मेरे ऑल्टीमीटर का सर्किट बर्न आउट हुआ वो डिजाइन में फ्लॉ नहीं था क्या 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 प्रूफ है तुम्हारे आपको प्रूफ चाहिए मयंक रियली द डायनासोर बात सब मयंक की नहीं है
मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि सब लोग इतना नॉर्मल कैसे बिहेव कर सकते हैं, स्पेशली आफ्टर व्हाट हैपेंड। सब लोग हमारी तरह नहीं होते हैं मौसमी, हमारा काम हमारी जिंदगी है, बाकी लोगों की प्रायोरिटीज बहुत ही अलग होती हैं, उनके अपनी फैमिलीज होते हैं, बच्चे होते हैं, इट्स डिफरेंट। मेरी भी फैमिली है। हाँ, या आई नो, बट यू नो व्हाट आई मीन, इट्स नॉट द सेम। नो गौतम, व्हाट डू यू मीन? यू नो इट्स जस्ट नॉट द सेम, इट्स डिफरेंट। आई मीन, कहाँ हो तुम? कब से ट्राई कर रहा हूँ मैं। क्या हुआ? ऑफिस, दिवाली पार्टी, व्हाट हैपेंड? आज 17th अक्टूबर है मौसमी। हाँ तो? तो क्या हुआ? आई फॉरगॉट, आज लीला का बर्थडे है। आई फॉरगॉट हर बर्थडे। जस्ट ड्रॉप मी होम प्लीज। ओके, या कैसी माँ हूं मैं? अपनी बेटी का बर्थडे भूल गई मैं? काम पे तो सब कुछ याद रहता है मुझे, एक एक डिटेल, हर एक डेट का सिग्निफिकेंस कभी नहीं भूलती, लेकिन लीला का बर्थडे भूल गई। पता नहीं लोग कैसे अपना काम और फैमिली लाइफ बैलेंस करते। मैंने रियलाइज कर लिया था कि मैं इम्बैलेंस्ड और एम्बिशियस हूं, इतनी एम्बिशियस कि कुछ और मैटर ही नहीं करता, और ये गलत था। मैं ऐसा कैसे कर सकती? नहीं, नो मोर। इतना एम्बिशियस होना एक औरत, एक माँ के लिए बिल्कुल सही नहीं था। सो आई डिसाइडेड आज से मेरी बेटी, मेरी फैमिली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। मैं भी अपनी प्रायोरिटीज बदल सकती हूँ। चलो। हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते। Hey. दिवाली का बर्थडे पार्टी, आप सोनाली का आइडिया था, शी ऑर्गेनाइज एवरीथिंग। टेस्ट काफी अच्छा है उसका। लेट कूल ड्रिंक्स लेके जाते, राइट? सैड, कांट से द सेम अबाउट यू। आई गेस यू आर राइट, कंसीडरिंग 14 साल पहले आई चूज यू। सॉरी। क्यों? आपने हैरी को मार दिया? क्या? प्रिंस हैरी, मेरा गोल्डफिश। नो। तो आप सॉरी क्यों बोल रहे हो? आई फॉरगॉट योर बर्थडे। वो तो आप लास्ट ईयर भी भूल गए थे, इसमें नई बात क्या है? नया ये है कि आज जो हुआ वो फिर कभी नहीं होगा। आज से ना मेरा एम्बिशन, ना करियर, ना आईएससी, ना इंडिया, कुछ नहीं। आज से मेरी नंबर वन प्रायोरिटी तुम। मॉम के साथ हमारा प्लान क्या था? मॉम की प्रपोजल रिपोर्ट मैंने लिखी थी, बट एनीवे यू टेल मी। मॉम के साथ हमारा प्लान था कि हम एक पावरफुल MSLV रॉकेट यूज करेंगे, जो ऐसे सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटेशनल जोन को चीरते हुए सीधा स्पेस में भेजेगा, डायरेक्ट। राइट? राइट मौसमी, तुम्हारा पॉइंट क्या है? अब हमारे पास MSLV नहीं है, सो व्हाट डू वी डू? पता नहीं, बट आई बिलीव यू विल गिव मी एन आंसर इन द नेक्स्ट 2-3 आवर्स मे बी। नो, नाउ हम वो यूज करेंगे जो हमारे पास है, ESLV, हमारा अपना ESLV। It's been tried and tested. It's been used to launch hundreds of satellites, Nandita. I know you will say ki MSLV ESLV se 3 guna zyada powerful hai. Exactly. Isiliye hum ESLV ko use karke satellite ko aise 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 earth ke around orbit kara ke seedha space mein bhejenge. ORM. Yes. Orbit raising maneuver. It's possible. Is it possible, Neetu? Of course it is. Neetu? Ma'am, theoretically it is possible. But issues hain, logistical and technical issues. We are the smartest brains in the country. Agar hum technical aur logistical issues se dar gaye to phir kaise chalega? This is our only chance, Nandita. We can bring mom back to life.
चाइना को। नंदिता का एक हां से मेरा फूलझड़ी वाला ORM का आइडिया मॉम को वापस जिंदा कर सकता था। फ्राइडे 10:30 विद मुरली सर। हाँ ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू नंदिता। एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोलॉजी? ORM ESLV के साथ मॉम को लॉन्च करने के लिए। ORM ESLV के साथ? इट्स अ ग्रेट आइडिया नीतू। तो तुझे लगता है पॉसिबल है? ऑफ कोर्स नॉट, मॉम इज टू हैवी फॉर ESLV। 4,000 kgs। पर आइडिया अच्छा है, मैंने आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। आइडिया तो मौसमी का था, बट मुझसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब कैल्शियम? हमारे प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स थे, लेकिन हमारे सॉल्यूशन सिंपल। मुझे ESLV को घुमा घुमा के मार्स भेजने का आइडिया आया एक फुलझड़ी से, पर ऐसा लग रहा था कि अगला प्रॉब्लम भारी भरकम होने वाला है। थैंकफुली मेघा ने रियलाइज किया कि कई बार बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन छोटी छोटी चीजों से आ ही जाते हैं। And that is why I'm saying again, this is our last chance to beat China in the race to Mars, sir. Any questions? Sir, ये idea एकदम ही disastrous है और इसको आप Black इस idea को पहले study कर लेते हैं, उसके बाद we will reach a solution. Right? Okay, sir. Nandita. Sir. As a mission coordinator, do you have any questions? Yes, sir. Please. A couple of them. Mashmi, ORM method space travel के लिए पहले कभी use हुआ? Yes. 37 times पहले यूज हुआ, राइट? एनी आइडिया ये कभी फेल हुआ है? यस यस सर, दिस मेथड हैज फेल्ड 24 टाइम्स बिफोर। 24 येलो। बट नंदिता, ORM मेथड से 13 सक्सेसफुल लॉन्चेस भी हुए हैं। सक्सेस रेट ऑफ 36% मौसमी। बट हमें सोचना चाहिए कि क्या हम अपना टाइम, एफर्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पैसे एक ऐसे आइडिया पे लगाने चाहिए जिसका प्रोबेबल सक्सेस रेट इज जस्ट 36%। चले सर। ORM का सक्सेस रेट 100% है। सॉरी, आई डिडंट हियर यू। ORM का सक्सेस रेट 100% है सर। 100%। What are you saying? Please explain. जो 24 बार जो 24 बार ORM मेथड फेल हुआ है उसमें हर बार मैथ्स गलत था सर। जब मैथ्स करेक्ट होता है ORM मेथड का सक्सेस रेट 100% होता है सर। तो आप कह रही हैं कि हमारा मैथ्स गलत नहीं होगा, राइट? Depends, sir. Depends on what, Neetu? Depends ISA ka head of telematics kaun hai, sir. Jab tak main head of telematics hoon, maths to galat nahi ho sakta, sir. Any other questions? Yes, sir. Mom ka estimated weight kitna hoga? 4,000 kilo. Main Neetu se baat kar rahi. 4,000 kilo, ma'am. To aapko lagta hai ki ESLV ORM मेथड यूज करके एक 4000 किलोग्राम के सैटेलाइट को स्पेस में भेज सकता है? क्या कहता है आपका मैथ्स? ऑब्वियसली नहीं भेज सकता मैम, ESLV इज टू वीक फॉर दैट। लेकिन ORM मेथड यूज करके ESLV एक 1100 टू 1300 kgs के सैटेलाइट को स्पेस डेफिनेटली भेज सकता है। तो हम 4000 किलो के मॉम को 1300 किलो कैसे बना सकते हैं? बस श्रिंक करके, लाइक अ बॉन्साई प्लांट। कुछ भी सर। हमें बस मॉम के सारे कंपोनेंट्स को छोटा करना है, दैट्स इट। यू नो व्हाट, आई सी मेरिट इन व्हाट मेगन इज सेइंग। यस, रिस्क है, दैट्स द क्वेश्चन। क्या हमारे पास कैपेसिटी है कि हम इस रिस्क को ले सके? एंड फ्रैंकली मुझे नहीं पता। लेट्स थिंक अबाउट इट। 11 AM? यस सर। एंड इंटर रिपोर्ट। यस, फोन कॉल आल्सो। Thanks. Thank you. I'll see you later.
नंदिता, मुझे लगा तो मेरे साइड थी। साइड? यहाँ कोई क्रिकेट मैच नहीं चल रहा है मौसमी। आई थिंक हम सभी मिशन की साइड है। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। ये मिशन हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबके लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं। दिस इज इंडियाज मिशन टू मार्स, नॉट मौसमीज मिशन टू रिडीम आवर करियर। पहले ही पूरे देश की उम्मीदें इस मिशन के कंधे पे हैं मौसमी, उस पे अपनी एम्बिशंस का बोझ मत डालो। सर, मौसमी ने दिवाली पार्टी में सबके सामने मयंक जी को कॉर्नर किया। कहने लगी चंद्र विमान के फेलियर के पीछे इन्हीं का ही हाथ है। कॉर्नर क्या सर, वो लेडी है ही कुछ ऐसी, डिवोर्सी है ना? ना, दैट्स टू पर्सनल। पर सर, आईएसए को मयंक जी ने भी तो 30 साल दिए हैं, इनका एक रेपुटेशन भी तो है ना आईएसए में। और वो रेपुटेशन बचाना तुम्हारा ही काम है। मैं कुछ समझा नहीं सर। ये मौसमी ने नया आईडिया क्या फ्लोट किया है? कहती कि ORM यूज करेगी मॉम के लिए, और वो भी ASLV के साथ। क्या बताएं सर, she has lost it. रोको उसे, वरना वर्ल्ड स्टेज पे बेइज्जती हो जाएगी इस देश की और ISA की। और ISA के साइंटिस्ट की भी, पर्टिकुलरली वो साइंटिस्ट जो कि चांद्र विमान के फेलियर का भी हिस्सा थे। मौसमी के प्लान को अगर हम एम्प्लॉय करते हैं तो सचमुच हजारों चीजें गलत होने के चांसेस हैं। हमारा मैथ्स फेल कर सकता है, हमारी मिनिएचराइजेशन का आइडिया फेल कर सकता है, ESLV भी फेल कर सकता है। रियली? लेकिन अगर हम मौसमी के प्लान को रिजेक्ट करते हैं तो फिर एक चीज पक्की है, इंडिया का स्पेस रेस में हारना। तो मेरे ख्याल से चॉइस हमारे सामने बिल्कुल सिंपल है, या तो हम हार मान लें, या फिर अपने हार्ड वर्क, अपने डेडिकेशन, अपने कमिटमेंट से हम एक चांस लें। व्हाट यू थिंक नंदिता? यू राइट सर। मेगन, व्हाट अबाउट यू? मौसमी, हार मान ले? नो, नो सर। देन लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। हम लोग ESLV को यूज करेंगे और ORM मेथड को, जैसे मौसमी ने सजेस्ट किया। एंड आई वांट टू मेक वन थिंग एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर, चांस लेने का मतलब बेवजह रिस्क लेना नहीं होता। इस नए कोर्स ऑफ एक्शन के चलते हमारे पास हजार वजह थी इस मिशन को बंद कराने की। लॉजिक कह रहा था कि ये नहीं हो पाएगा, लेकिन हमारा विश्वास था कि हम ये करके ही रहेंगे। उस दिन एक बार फिर लॉजिक हार गया और विश्वास जीत गया। मिशन ओवर मार्स जिंदा है। ये फिर से करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। This has to be done again. This also, this also, this. That means all of this. ये हैं मॉम के नए पैरामीटर्स और ये हैं उन गैजेट्स की लिस्ट जिन्हें री इंजीनियर करना है। पर ये तो मॉम के सारे गैजेट्स की लिस्ट है। Exactly, and that's the idea. हाँ नंदिता, मगर सारे गैजेट्स? That means we are back to square one. No, actually we are in square minus seven. पिछले 6 महीने में हमने जो कुछ भी काम किया वो इस मिशन के पैरामीटर्स के हिसाब से यूज़लेस। मतलब काम वही है, बस 6 महीने कम है। 6 नहीं 7। ORM के लिए लॉन्च को 1 महीना प्रीपोन करना पड़ेगा। मॉम को अर्थ के अराउंड ऑर्बिट भी तो करना है। परफेक्ट। व्हाट आर यू सेइंग, वी कांट डू इट? नो मौसमी, आई एम सेइंग किसी को कोई और सवाल पूछना है? नो मौसमी। मेगन, मयंक जी? नहीं, पूछना नहीं, बोलना है। बोलिए। मैं और मेरी टीम आपके इस मिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। पार्टिसिपेट नहीं कर सकते? बट मयंक जी, आपकी टीम ISA की सबसे बड़ी टीम है। As the leader of that team, मुझे पता है which risk is worth taking and which is not। आप
एक बार फिर से सोच लीजिए, आपकी टीम के बिना इतने बड़े मिशन को सक्सेसफुली अकम्प्लिश करना मुश्किल होगा। मुश्किल नहीं होगा नंदिता, मयंक जी मिशन छोड़ना चाहते हैं, इनका टीम नहीं, इनका टीम मैं लीड करूंगी। मौसमी, आर यू श्योर यू कैन डू दिस? आई हैव टू, समवन हैज टू। मॉम का फेलियर ना मेरे लिए ऑप्शन है और ना ही इंडिया के लिए। आप सबके सामने फोल्डर्स रखे हैं विद योर KRA की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज। मौसमी, तुम्हारा फोल्डर बाकी सबसे बड़ा है एंड यू नो व्हाई। अगर तुम चाहो तो अपना कल का डिसीजन रिकंसीडर कर सकती हो। विल फिक्स दिस। नो नो, आई कैन हैंडल इट विद द टीम। आर यू श्योर? नीतू को छोड़ के बाकी सबके टास्क 3-fold है। 1, मॉम के सभी गैजेट्स को मिनिएचर करना ताकि मॉम का वेट 1300 किलोग्राम से ज्यादा एक्सीड ना करे। 2, सारे गैजेट्स स्पेस वर्दी होने चाहिए ताकि 622 मिलियन किलोमीटर का सफर मॉम सर्वाइव कर सके और परफॉर्म कर सके। एंड 3, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सारे काम ISA की लैब्स में होंगे बिकॉज मॉम इज 100% इंडियन मिशन। अंडरस्टूड? यस। नीतू, जैसा कि तुमने मीटिंग में कहा था, मॉम और ORM कैलकुलेशंस पे डिपेंड करता है, तुम्हारी कैलकुलेशंस पे। ISA एंड इंडिया इज काउंटिंग ऑन यू। यस मैम। एनी मोर क्वेश्चंस? ओके देन, टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा। एज अनाउंस अर्लियर, ISA 24/7 खुला रहेगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नीतू। यस मैम। लंच मेरे साथ। लंच क्यों? ऐसे मन कर रहा है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। सी यू एट लंच। आई होप मिशन कोऑर्डिनेटर से अप्रूवल का कोई चक्कर नहीं रहेगा। नहीं, सारे अप्रूवल्स मैं दूंगी, मिशन कोऑर्डिनेटर नहीं। कौन से स्टेज पे? हर स्टेज पे, फ्रॉम डिजाइन टू एग्जीक्यूशन, एवरीथिंग। मयंक सर ऐसा नहीं करते थे। मौसमी, यू विल हैव टू ट्रस्ट अस। आपके प्रोसेस को टाइम लगेगा, मुझे पता है, लेकिन इस मिशन में द ओनली पर्सन आई एम गोइंग टू ट्रस्ट इज मी। अंडरस्टूड? तो तुम्हें बुरे सपने आ रहे और सारे सपने मिशन से रिलेटेड हैं। यस मैम, सारे। लेकिन क्यों? क्यों मतलब? बुरे सपने क्यों आ रहे हैं? मैम, ORM बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। लेकिन ये तो तुम्हें पहले से पता होगा ना? यू स्टिल सोल्ड इट टू द टीम इन द मीटिंग। मैम, कॉम्प्लिकेशंस अगर मैथ्स रिलेटेड होते ना तो मैं संभाल लेती। इंजीनियरिंग कॉम्प्लिकेशंस है, ऑपरेशन कॉम्प्लिकेशंस है, और इन सब एरियाज में मेरी कोई नॉलेज ही नहीं है मैम। चलो, तुम्हारे पास तुम्हारे बुरे सपने तो हैं। दैट्स इनफ। सॉरी मैम, मैं समझी नहीं। सिंपल है। मैम मतलब तुम मुझे अपने सपनों की लिस्ट देती जाना और मैं उनके सॉल्यूशंस ढूंढकर उनके सच होने से रोकने की प्लानिंग करती जाऊंगी। हाँ। वैसे तुम्हारे हिसाब से सबसे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? सबसे बुरा क्या हो सबसे बुरा? बुबू? इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। क्या हो गया मैम? बुरा सपना। बस पैक दिस फॉर मी, मैं अभी आती हूँ। परम, 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 कहाँ है वो? कौन मॉम? तुम अच्छी तरह से जानते हो किसकी बात कर रही हूँ मैं। कहाँ है वो? कोई नहीं है मॉम। तो वो कौन है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड? बूबू बुलाते हो ना उसे? बूबू? रियली मॉम? यू थिंक आई वुड कॉल समवन बूबू, लेट अलोन माय गर्लफ्रेंड? अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी नाम से बुलाओ। मैंने बोला मॉम कोई नहीं है। कोई नहीं है? मुझे पता है यहाँ क्या चल रहा है। परम, कॉन्डम्स की फोटोज भेज रहे हो ना तुम उसे? आपको कैसे पता उन फोटोज के बारे में? मेरा फोन क्लोन कर रही है ना आप?
श्रुति नहीं आई है यहाँ पर मॉम। जिस दिन आप रात को नेट्स पर आई थी ना, मुझे उसी दिन शक हो गया था कि आपने मेरा फोन क्लोन किया है, इसलिए मैंने ये सब नाटक किया जस्ट टू बी श्योर। ऐसा कैसे कर सकते मॉम आप मेरे साथ, अपने बेटे के साथ? क्यों, क्या गलत कर रही हूँ मैं? यही तो प्रॉब्लम है ना मॉम, आपको सही और गलत का फर्क ही नहीं पता। प्लीज स्टॉप एक्टिंग लाइक अ साइको एंड स्टॉप कंट्रोलिंग माय लाइफ। आई एम कंट्रोलिंग योर लाइफ? मेरे घर में रह रहे हो और मुझसे झूठ बोल रहे हो तुम। ट्यूशंस का बोल के क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए जा रहे हो और मुझे साइको बुला रहे हो। तुम मुझे बताओगे सही और गलत का फर्क क्या है? मैं बताऊंगा, बिकॉज यू आर अ फ्रीकिंग साइको, अ साइकोटिक कंट्रोल फ्रीक। आपके घर में रहना मेरे लिए चॉइस नहीं है, पनिशमेंट है। अरे ये करो ये मत करो, ऐसे करो ऐसे मत करो, तंग आ गए हो मॉम आपसे। मैं बस वेट कर रहा हूँ उस दिन का कि मैं कब इस घर से निकलूं। आई वुड नेवर लुक बैक। आई हेट यू एंड आई हेट एवरी मिनट आई स्पेंड इन दिस हाउस। मैडम आपको दोबारा पावर में आना पड़ेगा अगर देश को साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाना है तो, ऐसा मेरा मानना है। मैम दो हफ्ते से रैली में थी इसलिए आवाज बैठी हुई है उनकी, आप बोलिए वो सुन रही है। इट्स ऑफ, देश के लिए कितना करना पड़ता है। वैसे मैडम बात देश की या देश के सरकार की इज्जत की ना होती तो मैं इस हालत में आपको डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन आप तो जानती है कि MSLV हैज फेल्ड एंड मॉम के सक्सेस की चांसेस जीरो के बराबर है। उसके बावजूद भी हमारे ISA के चीफ और उनकी टीम ये मानने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि लॉन्च के लिए ORM के साथ ESLV यूज करेंगे। रिडिकुलस। माना कि मॉम सफल हुआ, सबको नाम मिलेगा जाहिर है, लेकिन अगर मॉम फेल कर गया तो इज्जत तो ISA की जाएगी ना। ये आपका ओपिनियन है या? मयंक गुप्ता, एन इंजीनियर विथ मोर देन 30 इयर्स एक्सपीरियंस, हमारे ISA के सबसे बड़े इंजीनियरिंग ग्रुप का लीडर, उन्होंने इस प्लान के मुताबिक काम करने से इनकार कर दिया है। अभी आप समझ सकती है कि टीम में कितना डिस्कम्फर्ट है। सर हम आपका कंसर्न समझते हैं, लेकिन ISA एक ऑटोनॉमस बॉडी है, दिल्ली उनकी इंटरनल फंक्शन में इंटरवीन नहीं कर। दिल्ली इतनी भी पावरलेस नहीं है अनंत, आप ISA का कोई भी एक भी इंटरनल प्रोसीजरल इरेग्युलरिटी का प्रूफ लेके आइए मेरे पास, प्रूफ, बाकी मैं देख लूंगी। इफ मुरलीधरन क्रॉसेस द लाइन, MOM गोज ऑफ लाइन। सर डॉक्टर गोखले दिल्ली आए थे सुनीता जी से मिलने। अच्छा, ज्यादा खुश नहीं हूं आपके वर्किंग स्टाइल से। आई एम सरप्राइज। वैसे अगर आप चाहें तो मैं अपना वर्क फ्लो और प्लान ऑफ एक्शन उनके साथ शेयर कर सकता हूं। उनके जो भी सजेशंस होंगे हम उन्हें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर लेंगे। नहीं, अब ये सब करने का ना तो कोई टाइम है ना कोई फायदा। आप बस मॉम पे कंसंट्रेट कीजिए, मेक श्योर इट्स अ सक्सेस। एब्सोल्युटली सर। अच्छा एक और बात, मेक श्योर यू डू एवरीथिंग बाय द बुक, क्योंकि दिल्ली के हाथ अगर एक भी प्रोसीजरल इररेगुलरिटी का प्रूफ लग गया आप समझिए मिशन खत्म। सर मैं अपनी टीम को जानता हूं, ना कोई उनके फिजिक्स में फॉल्ट निकाल सकता है ना उनके एथिक्स में। जस्ट बी केयरफुल। थैंक यू। ये वाला फिल्टर आपने डिजाइन किया नहीं है अभी तक, व्हाट इज गोइंग ऑन? ये वाले नंबर्स जो दिए थे वो भी नहीं किया है अभी तक। एवरीथिंग इज गेटिंग डिलेड एंड अजय योर कैलकुलेशन इज आल्सो एब्सोल्युटली रॉन्ग। नो इट इज। MSLV के फेलियर के बाद हमने ESLV के साथ मॉम को लॉन्च करने का फैसला कर लिया था, लेकिन ESLV MSLV जितना ताकतवर रॉकेट नहीं था। अब हमारे सामने एक चैलेंज था, मॉम और उसके सारे गैजेट्स के वेट को 5000 किलो से 1300 किलो करने का। बट ये करने के लिए हमारे पास टाइम ना के बराबर था। ISA दिन रात काम कर रहा था क्योंकि हमारे इन टेस्ट रिजल्ट्स पे टिका हुआ था मॉम का किस्मत, और अगर हम ये टेस्ट में फेल होते तो मॉम का मार्स जाना नामुमकिन था।
निखिल, आपके डिजाइन अभी भी एक्सेप्टेबल वेट से 2.4 केजी ज्यादा है। यस सर, ये रिपोर्ट वर्क इन प्रोग्रेस है। हम लोग पेलोड वेट रिडक्शन पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं सर। बट वी डोंट हैव टाइम। आप प्रॉब्ली मौसमी की टीम के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, आपको कुछ क्लूज भी मिलेंगे, राइट? सर मौसमी के डिजाइंस के वेट भी लिमिट में नहीं है। What? सर मौसमी एंड टीम को 4 गैजेट्स के डिजाइन सबमिट करने थे, लेकिन उन्होंने 3 गैजेट्स के डिजाइन सबमिट किए हैं। दोज आर आल्सो 4.7 केजीज ओवर देन द प्रिस्क्राइब्ड वेट। मौसमी, व्हाट्स दिस? आपने तो एक्स्ट्रा वर्कलोड के लिए वॉलंटियर किया था, राइट? एंड आई सी दैट यू हैव नॉट इवन कंप्लीटेड योर शेयर। I'm sorry, sir. मैंने अपना capabilities overestimate कर लिया। I'm stepping down as a team leader, sir. Right now. Really? You're stepping down? Great. आपके step down करने से mission को क्या फायदा होता है? Tell me, भागने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। हम जिस खाई में हैं, उसे हम ही ने खोदा है, और हम ही को उससे बाहर निकलना है। सर, मैंने तो पहले ही कहा था। विनायक, please don't tell me the problem. I know what the problem is. कोई सलूशन है तो बोलिए। Anyone in this room? सर, मेरे पास एक सलूशन है। I'm in touch with my contacts back home in the US, मतलब ASA में. And they might be able to help. Please explain. Well, actually, Moshmi had reached out to me about 10 days ago. उसने कहा था कि उसकी टीम मिशन पैरामीटर्स को मीट करने में थोड़ी सी स्ट्रगल कर रही है. तो I thought it would be best if I pitch in. मैं चाहता था कि मॉम एक 100% इंडियन मिशन, ताकि हम दुनिया को दिखा सकें कि Indian technology is any day superior to Chinese technology. Gautam, do whatever you need to. After all, hum is mission se back out nahi kar sakte. I will, sir. I couldn't believe it. Jise maine apna dost samjha, wo mera dushman nikla. Yeah, it's on. Kya tha wo? I'll make sure. No, that sounds great. All right, take care, bye. क्या था वो? क्या मतलब क्या था वो? मैंने तुम्हारे साथ सब कुछ शेयर किया, because I thought you were a friend. But तुमने उसका फायदा उठाया to get into the mission, Gautam. No, you're turning this into a big deal for no reason. तुमसे और ASA से काम नहीं हो रहा था. तो मैं और ASA तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं. तुम्हें हेल्प नहीं चाहिए? खुद कर लो. You know what? Actually, तुमने जो मीटिंग में कहा था ना, you were absolutely right. Not just for you, but for ISA and all of India. अपनी abilities को इतना overestimate नहीं करना चाहिए. Sadly, तुम्हें ना मेरी abilities के बारे में कुछ पता और ना ही ISA के. तुम्हें जो करना है तुम करो, जिसका मदद लेना है तुम लो, लेकिन मॉम 100% इंडियन होगा. तुम अमेरिका को चैलेंज कर रही हो? नहीं, मैं उन सबको चैलेंज कर रही हूँ जो मेरे देश के काबिलियत पर सवाल उठा रहे हैं. गौतम की लगने वाली है. डोमिनेटिंग हूं मैं, लाउड हूं, मुझे बेवजह गुस्सा आता है बहुत. ऑल इन ऑल आई एम अ पेन टू वर्क विद, आई नो, बट आई वांट यू टू गो थ्रू दैट पेन
I want you to suffer working with me, Megan. Because if we don't do this, then mom 100% Indian mission नहीं रहेगा और हम पूरा दुनिया को दिखा नहीं पाएंगे कि हम मेल नहीं देखा मेल नहीं चाहिए सब यूजलेस है I want you, Megan, please. ईमेल ईमेल नहीं देखा ईमेल निखिल wants me to work with your team. I'm working with both the teams. सब कुछ ईमेल पे है. But what? स्पीच खत्म हो गई तो काम कर ले. हाँ थैंक्स थैंक्स थैंक्स. ओके गाइस मेगन इज विद अस नाउ. हाँ प्लीज ब्रिंग द डिजाइंस. Yeah, so we need to work on that, huh? That's the most of it, right? Because that's the problem, right? Yeah. The way this else goes down, I think we'll be sorted. That's the problem, huh? Because just from a material standpoint. Chalo, theek hai. So if we put. Haan, practically ho hi nahi. Haan, lekin if we fit that box in, to hamare paas. Ho hi nahi pa raha, usse wait. ये क्या डिनर डिनर हम खाना क्यों खाते हैं ताकि न्यूट्रिएंट्स मिले राइट तो न्यूट्रिएंट्स दाल चावल खा के मिले या पिल्स से क्या फर्क पड़ता है न्यूट्रिएंट्स दाल चावल खा के मिले या पिल्स से हमें बस गैजेट चाहिए चाहे उसके कंपोनेंट्स हम खुद डिजाइन करें या बाहर से असेंबल करें जिस वेट का लेंस हमें कैमरा के लिए चाहिए वो ऑफ द शेल्फ लिथियम आयन बैटरी सोलर सेल्स के लिए मिल जाएगा सारे पास वो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर के इनसे टेस्टेड है हमें बस गैजेट्स को असेंबल करके टेस्ट करना है दिस विल सेव अस अ लॉट ऑफ टाइम ओह या ये सब तो यूजफुल है शुड वी चेक रन देखा जाए तो मॉम आईएसए का वो गाड़ी था जिस पर सवार होकर पूरा इंडिया मार्स जाने का सपना देख रहा था इसलिए हमने वही किया जो हर गाड़ी बनाने वाला करता है गाड़ी के सारे पार्ट्स खरीदो और असेंबल करो हमारा भी प्लान वही था इंडियन मैन्युफैक्चर से पार्ट्स खरीदना और असेंबल करना टू चेक दैट आल्सो ये क्या विद दिस डिड यू टैली दिस टू एक्जेक्टली सेम आर यू श्योर आई एम डैम श्योर ओके बस फोन पे टाइम सेंसिटिव बिकॉज़ इफ वी डोंट मीट द डेडलाइन देन दे वोंट इवन एक्सेप्ट द प्रपोजल थोड़ा आवाज नीचे करी हेलो मैम द पैरेलल स्ट्रक्चर इज व्हाट या वी हैव द डिफरेंट कंपोनेंट्स पैकेज बट दोस डिजाइंस आर एग्जैक्टली द सेम Wonderful. This is going to be a piece of cake. Gautam, I am impressed. एक महीने पहले तक आप हमारे मिशन का हिस्सा नहीं थे और एक महीने में आपने इस मिशन के इतने जरूरी गैजेट्स डिजाइन किए और हर एक गैजेट हमारे वेट लिमिट के अंदर है और साथ साथ आईएसए के स्पेस वर्दी टेस्ट भी पास कर चुके हैं कांग्रेचुलेशंस इट वाज अ चैलेंज सर थैंक यू मार्क सर दो आई मस्ट एडमिट एज मच एज आई एम इन अप्रिसिएशन
ऑफ योर एफर्ट्स, आईएसए आपके डिजाइन को इस्तेमाल नहीं करेगी। हमारी तरफ से यूएस में एएसए के अथॉरिटीज को हमारी अपॉलॉजी कन्वे कर दीजिए, क्योंकि मॉम के लिए हम मौसमी और उनके टीम के डिजाइन को यूज करेंगे। वांट टू लेट यू नो, इनके डिजाइन हमारे वेट लेवल के अंदर हैं और आईएसए के स्पेस वर्दी टेस्ट को पास कर चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इनके डिजाइन एएसए के डिजाइन के कंपैरिजन में 17% ज्यादा एफिशिएंट हैं। कांग्रेचुलेशंस अश्विनी, थैंक्स टू योर एफर्ट्स मॉम 100% इंडियन मिशन होगा। Thank you. आप इसे स्टडी कीजिए। When a scientist is brave, nothing is impossible. Yes, sir. अपना डिसीजन रिग्रेट कर रहे हैं? अगर आप चाहते हैं तो हम आपको वापस बुला सकते हैं। आपको प्रोसीड्यूरल इरेगुलरिटीज का प्रूफ चाहिए था ना? सब कुछ है इसमें। ओह, इन्होंने पार्ट्स बनाए नहीं, मार्केट से खरीदे हैं। अगर ये बात दिल्ली पहुंच गई तो ये मिशन और मार्स ओवर। तो ये आइडिया ऑफ द शेल्फ कंपनीज लेने का आया कहां से? चलो मैं काम पे हूं, मैं बाद में बात करती हूं। I don't know. आ गया? ठीक से बताना, व्हाट वाज योर प्रोसेस? प्रोसेस क्या होता है? यू हैव अ फंक्शनिंग ब्रेन, यू सिट एंड थिंक, आइडियाज कम। अब रुचिका, ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट्स वाले आइडिया के बारे में पूछ रहे हो? हाँ, बट मेगन कुछ बता ही नहीं रही है। अरे देन यू शुड आस्क मी ना, मेरा आइडिया, आई शुड नो। रियली, कैसे सोचा आपने? वेल, मैं 36 घंटे से काम कर रही थी, डेड टायर्ड। तब मैंने ऐसे देखा मेगन को, पिल्स खा रही थी फॉर डिनर, तब मुझे आइडिया आया। यू नो, मुझे लगा कि अगर हम ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट्स ऐसे ऑर्डर कर दें तो वी जस्ट हैव टू असेंबल, यू नो, टाइम कम लगेगा। हाँ, तो अगर हम असेंबल कर दें, सब ऑलरेडी प्री टेस्टेड है, वी विल सेव टाइम। यस सर। कैन वी मीट एट द ऑफिस बाय 9:30? ओके सर, मैं पहुंच जाऊंगी 9:30 तक। अब मौसमी को भी बोलना आने को। ठीक है, मैं मौसमी को इन्फॉर्म कर देती हूँ। सर, सब ठीक है ना? वही पता करना है। See you. ऑफिस में इमरजेंसी मीटिंग है, मैं चलती हूँ। See you. मौसमी। Yes, sir. कलर कैमरा पेलोड में हमने कितने ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट्स यूज किए हैं? सर, हमने 319 ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट्स यूज किए हैं। इनमें से कितने टेस्टेड हैं? सर, सारे गैजेट्स टेस्टेड हैं। नो, लेट मी रीफ्रेज द क्वेश्चन। इनमें से कितने ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट्स, नॉट गैजेट्स, को हम लोगों ने आईएसए के लैब में टेस्ट किया है? सर, सारे कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर्स के एंड से टेस्टेड हैं, और जो कंपोनेंट्स से हमने गैजेट्स बनाए वो आईएसए के लैब में टेस्ट हुए हैं। Means none of the components have been individually tested. But sir, and what's the case with the DIR payload? Same, sir. Nandita. Sir. अगर हमको हर एक off-the-shelf component को individually test करना पड़े, कितना time लगेगा? But sir, it is not required. Ballpark. Sir, 319 components मतलब easily 8 months, which means डेडलाइन को मीट करना तो पॉसिबल नहीं है। थैंक यू। मौसमी, यू मे गो बैक टू वर्क। बट सर, ये तो दैट बी ऑल। थैंक यू। सर, is there a problem?
एक छोटा सा टेक्निकलिटी को गोखले सर बहुत बड़ा इशू बनाना चाहते थे। ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट्स वाला आइडिया मिशन को वापस ट्रैक पर लेकर तो आया था, पर गोखले सर वही टेक्निकलिटी को यूज करके मिशन को रोकना चाहते थे। शिट यार, व्हेन आई वाज क्रैकिंग द आइडिया, मुझे इसका भी तोड़ निकाल लेना चाहिए था। आपने नहीं किया क्योंकि आपने नहीं किया। मतलब आपने इसके बारे में नहीं सोचा क्योंकि ये आइडिया आपने क्रैक नहीं किया। रियली? तो फिर किसने क्रैक किया? एक मिनट, तुम्हें लगता है ये आइडिया तुमने क्रैक किया? आपको सच में याद नहीं है कि आइडिया हम दोनों ने साथ में मिलकर क्रैक किया था? दोनों ने? व्हाइल आई वाज बिजी क्रैकिंग दैट आइडिया, तुम वो सिली पिल्स पॉप कर रही थी। वेंकट वाज राइट, यू नो यू आर नॉट अ टीम प्लेयर। आपको टीम इसलिए चाहिए ताकि आप उनसे क्रेडिट लेकर खुद आगे बढ़ सको। ये नर्ड विद नो सोशल स्किल वाला ना ड्रामा बंद करो तुम। ये आइडिया मैंने क्रैक किया था, डोंट ट्राई टू स्टील माय क्रेडिट। ये आइडिया किसका है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि इस आइडिया की वजह से ये मिशन बंद हो सकता है। किसी ने कला कैमरा में प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज के बारे में दिल्ली को कंप्लेन किया है। क्या? अब तक तो क्रिटिसिज्म सुनने का आदत पड़ गया था मुझे, इसीलिए मुझे पता था कि बाहर लोग क्या डिस्कस कर रहे होंगे। मौशमी, कभी उसका अल्टीमीटर फेल करता है तो कभी उसका स्ट्रेटजी। बेचारी। हेलो मिस्टर वर्धन। आईएसए जो प्रोसीड्यूरल इरेगुलरिटीज हैं, इनको इंटरनली फिक्स नहीं कर पाएगा? सर हम कर सकते हैं, लेकिन फिर हमें लॉन्च डेट शिफ्ट करना पड़ेगा। That's not an option. परसों सुनीता जी आ रही हैं, मुझे उनके साथ ही शेयर करना पड़ेगा। I just thought I'd let you know. Thank you, sir. हजार गलतियां की होंगी तुमने, बट नॉट दिस वन। इस बार गलती किसी और की है, पर सैडली वो मानने को तैयार नहीं है। तुम समझ नहीं पा रहे हो, ये लेटर लिख के मैंने आयसे और तुम पे एक फेवर किया है। जैसे ये मॉम तुम्हारे प्लेट से हट जाए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे पास आएंगी। उसके बाद यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन द थिंग्स दैट मैटर। सर, मॉम मैटर्स। मॉम एक अपॉर्चुनिटी है जिसे हम एक टेक्निकलिटी की वजह से वेस्ट कर रहे हैं। यस आई नो, मॉम एक अपॉर्चुनिटी है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन किसके लिए है? सर, फॉर इंडिया। चाइना को स्पेस रेस में हराने के लिए थ्रू मॉम इंडिया एक। फ्रेंड बोलिए, मैं तुम्हारे लैब का कोई यंग इंजीनियर नहीं हूं जो मुझे समझा रहे हो। नो सर, आई डोंट मीन दैट। मुझे पता है मॉम क्या है। मॉम एक अपॉर्चुनिटी है फॉर डॉक्टर मुरलीधरन एंड हिज इंजीनियर्स टू क्रिएट अ लेगेसी फॉर देमसेल्फ्स। मुझे इंडिया का स्पेस बजट मालूम है, चाइना का भी मालूम है। इंडिया तेरे और तेरे इंजीनियर्स की पर्सनल एम्बिशंस की कीमत नहीं चुका सकता। सर, व्हाट आर यू सेइंग सर? आई नो यू आर अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ऑल यू नीड इज गाइडेंस। वो मैं देने को तैयार हूँ। अपने बारे में सोचना छोड़ दे, आईएसए और देश के बारे में सोच। कॉरपोरेट सेक्टर से कोलैबोरेट कर और आईएसए को प्रॉफिट सेंटर बना। हेलो संतिता जी। सर, मैंने बात की गोखले सर से, उन्होंने कंप्लेन वापस लेने से मना कर दिया है। जी सर। मैम, मैं चलती हूँ। मैम, ऐसी भी तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है ना जिसके बारे में हमने सोचा ना हो, तो
हर विघ्न को हरने वाला विघ्नहर्ता गणेशा। वैसे तो साइंटिस्ट भगवान में विश्वास नहीं रखते, ठीक वैसे जैसे भगवान में विश्वास रखने वाले साइंस को नहीं मानते। लेकिन मिशन के उस मुश्किल पड़ाव पे हम साइंटिस्ट के विघ्न को हरने आए खुद विघ्नहर्ता गणेशा। ब्रेकिंग न्यूज़, अभी-अभी मिली खबर के अनुसार आईएसए में चल रहे एक बहुत बड़े स्कैम के बारे में पता चला और इसी के बारे में बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ नेहा। इंडिया के बाकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरह आईएसए भी कोई करप्शन और स्कैंडल से अनछुआ नहीं है। नेहा, क्या है ये स्कैम? स्कैम सिंपल है। आईएसए के टॉप मैनेजमेंट जैसे कि डॉक्टर शरद गोखले किकबैक्स के बदले एमएनसीज और कॉर्पोरेट्स के सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए देश के सैटेलाइट्स और स्पेस मिशंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। डॉक्टर मुरलीधरन, व्हाट अ मास्टरस्ट्रोक। ट्रस्ट मी मिस्टर वर्धन, आई हैव नो क्लू कैसे या किसने ये सब किया है। अच्छा, सच बताऊं तो मुझे भी लगा कि ये ना आपके बस की बात नहीं है। नो ऑफेंस, बट जो कुछ भी हुआ सही हुआ। क्या सही हुआ सर? क्या सही हुआ? आईएसए's रेपुटेशन इज इन टैटर्स। दिस इज एन इंस्टीट्यूट। आप चिंता मत कीजिए, मैं सुनीता जी से बात करता हूँ। वी विल फिक्स एवरीथिंग। ठीक है, दिस इज गुड न्यूज। करप्शन के दाग अगर आईएसए पे लगते, मॉम तो बंद होता ही, इलेक्शंस में दिल्ली को भी बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ता। ऑब्वियसली दिल्ली को वो मंजूर नहीं था। कॉल डॉक्टर मुरलीधरन, टेल हिम ये बॉम्ब टाइम पे लॉन्च होना चाहिए। आई कैन नॉट अफोर्ड अनदर स्कैंडल। इलेक्शंस आ रहे हैं, जस्ट अश्योर हिम कि दिल्ली उनके साथ है। यस मैम। मैम, वो डॉक्टर शरद गोखले का लेटर आया था अबाउट द इरेगुलरिटीज एट मॉम, उसका क्या करूं? इग्नोर इट। मैं आईएसए के इंटरनल पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहती। कम ऑन। ऑफ कोर्स मैम। ऐसा लग रहा था जैसे मंगल मूर्ति ने मॉम का रास्ता मंगलमय कर दिया। मॉम फिर से मार्स जाने के लिए तैयार था। मैम, गुड मॉर्निंग मैम। आपने इस प्रॉब्लम को भी कंट्रोल कर लिया? मैंने क्या किया? आप एक्टिंग कर रहे हो मैम। क्या बोल रही हो तुम नीतू? आप तो सुबह से ही सब जो चल रहा है उसमें आपका कोई हाथ नहीं है? एब्सोल्युटली नॉट। मैं क्यों करूंगी ये सब? अरे भाई, मैं साइंटिस्ट हूँ, कोई जर्नलिस्ट थोड़ी हूँ। टू से इट अगेन, चंद्र विमान was delayed due to complex scientific reasons. क्या आपको लगता है कोई आपकी रेपुटेशन को सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा है? ये जो बिल्डिंग है, ये टैलेंटेड और एम्बिशियस साइंटिस्ट बनी हुई है। हर एक को अपनी जगह बनानी है। किसी को जगह बनानी है तो किसी को हटाना ही पड़ेगा ना। क्या आपका इशारा आईएसए के चीफ डॉक्टर मुरलीधरन की तरफ है? तूने गोखले सर के इंटरव्यू देखा? एक तो खुद पूरे मिशन को सैबोटाज कर रहे थे और अब आईएसए को ब्लेम कर रहे हैं। शरद गोखले सर तो छोटा प्रॉब्लम है, इट्स गॉन। असली मुसीबत दिल्ली है। अगर दिल्ली ने अपना काम टाइम पे नहीं किया ना, पूरे मिशन पे पानी फिर जाएगा। ओआरएम के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए, ये हमने 11 महीने पहले ही दिल्ली को मेंशन किया था, राइट? राइट, तुमने मेंशन किया और दिल्ली ने पढ़ लिया। तुम्हें लगता है दिल्ली ने कोई एक्शन नहीं लिया होगा अभी तक? द ओनली एक्शन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिल्ली इज नो एक्शन। मैम, जैसा कि हमने प्रपोजल में मेंशन किया था, हम ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर यानी कि ORM की टेक्निक को यूज करके मॉम को लॉन्च करेंगे, विच मींस हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को चैनलाइज करके मॉम को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर भेजेंगे, कुछ ऐसे। सैटेलाइट अर्थ को 5 बार ऑर्बिट करेगा। एंड वंस ड्यूरिंग एवरी ऑर्बिट हम सैटेलाइट के इंजन को फायर करेंगे ताकि हर बार सैटेलाइट अर्थ से थोड़ी और दूर ऑर्बिट करे टिल इट्स फाइनली आउट ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड मॉम इज ऑन इट्स वे टू मार्स। आईएसए को दिल्ली से क्या चाहिए? जब सैटेलाइट अर्थ को ऑर्बिट करेगा, उस दौरान हमें कंटिन्यूअसली अपने सैटेलाइट के कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। फ्रॉम USA, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड द पैसिफिक। इसलिए न्यू दिल्ली को इन सब कंट्रीज के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा और साथ ही इंडियन नेवी को अपने 2 जहाज पैसिफिक में डिप्लॉय करने पड़ेंगे।
इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन इज अ वेरी ट्रिकी मैटर मिस्टर मुरलीधरन, और फॉरेन मिनिस्ट्री हमारी पार्टी के पास नहीं है। फिर भी मिस्टर वर्धन उनसे बात कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि वहां से जल्दी ही कोई जवाब मिलेगा। एंड आई कैन अश्योर यू दैट मिस्टर वर्धन इज गोइंग टू डू हिज एब्सोल्यूट बेस्ट, aren't you? Yes, ma'am. Of course. See? Do the best that you can. Yes, ma'am. All right. Thank you. I'm sorry, Mr. Muralidharan. ये international coordination यहाँ से नहीं हो पाएगा। नहीं, देखिए दादी। देखिए, मैं जानता हूँ यहाँ पर चीजें किस space पे होती। ऊपर से layers हैं, internal politics है, chance ही नहीं है। ये coordination आप लोगों को अपने end पे करना पड़ेगा, please। I get it, पर naval ships तो आपके हाथ में ही हैं। Sir, please. करता हूं मैं दो शिप्स को डिप्लॉय करता हूं पैसिफिक में। मैं मॉनिटरिंग स्टेशंस के बिना लॉन्च नहीं कर सकते। आई जस्ट न्यू इट। दिल्ली अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं निभाएगा। माशवी, ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी से मैं टॉक्स इनिशिएट करूं? ओके, गो अहेड। गौतम, तुम्हारे एएसए में कॉन्टेक्ट्स है ना, तुम उनसे बात करोगे। ओके। निखिल, इंडोनेशिया और मैं साउथ अफ्रीका हैंडल करूंगी। लेट्स डू आवर बेस्ट। हमारे पास सिर्फ 30 दिन है। ओके, पैसिफिक कौन देख रहा है? दिल्ली। डोंट वरी मौशमी, मिस्टर वर्धन हैंडल कर लेंगे। कम ऑन गाइस, लेट्स डू दिस। प्राइम मिनिस्टर के इंडिपेंडेंस डे अनाउंसमेंट के बाद ना सिर्फ आईएसए बल्कि पूरा भारत आज के दिन का इंतजार कर रहा है। आज जब आईएसए अपना ऑर्बिटर मिशन टू मार्स लॉन्च करेगा तो पूरी दुनिया की नजरें भारत पर होंगी। वी आर 49 मिनट्स 33 सेकंड्स फ्रॉम द लॉन्च। क्या हुआ? सो मैम, इन 3 मिनट्स पैसिफिक ओशन पर अनसीजनल स्टॉर्म की वजह से नेवी के शिप्स अपने मॉनिटरिंग पोजीशन पर नहीं पहुंच पाए हैं और इसलिए हमें आज का लॉन्च अबैंडन करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मिशन? लोग कहते हैं नेवर से नेवर अगेन, हमें उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। बट एज द सिचुएशन स्टैंड्स राइट नाउ, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, Mom is dead. हमारा मिशन ओवर मार्स मार्स नहीं जा रहा। मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूं। कल मैंने ही कहा था नेवर से नेवर और मैंने ही हार मान ली थी। थैंकफुली नंदिता और उनकी टीम ने मेरी बात सुनी जरूर, लेकिन मेरी बात मानी नहीं, और शायद इसीलिए मॉम स्टिल हैज होप। नंदिता, कल जो कुछ भी हुआ वो हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन आज अभी से लेकर 5 नवंबर 2013 तक जो भी होगा वो हमारे हाथ में होगा। ये नया लॉन्च डेट है? इट कैन बी। हमें अपने सारे इंटरनेशनल पार्टनर से रिकनेक्ट करना होगा, रिकोलैबोरेट करना होगा। सर, हमें पैसिफिक में अपने शिप्स वापस भेजने होंगे। एब्सोल्युटली नंदिता, वी हैवंट रियली प्लान्ड फॉर इट। वी हैव। निखिल, कल जो हुआ वो एक बुरा सपना था, बट थैंकफुली फॉर अस, नीतू ने वो सपना 6 महीने पहले ही देख लिया। और मैम, कल के नाइटमेयर के हिसाब से अगर हम लॉन्च डेट मिस कर गए तो? नीतू, वी नीड अ प्लान बी इन प्लेस। यस मैम। And we must remember, ये अभी सिर्फ एक प्लान है, इसे एग्जीक्यूट करना अभी बाकी है। Yes.
We can't turn around this fast. I bet you can, Mark. Think of it as a challenge. And for a change, you might be on the winning side. Ouch. It burned. So? I say what I can do. Actually, I will do it for you, Mom. Oh, you're the best. Thank you. Star Trek kan lebih lucu. Kok kamu pikir Star Trek dia lebih lucu? Atau bagus? Lalu siapa yang tahu apa yang dia kahiyu perolehi kamu? क्या वो? He likes Star Trek, not Star Wars. अरे यार वो हमारी हेल्प करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, वो तो उसने ईमेल पे हाँ बोल दिया था। God यार। मुझे तो लगा था कि लॉन्च कैंसल हो गया। कैंसल नहीं सर, हम लॉन्च को इलेक्शन के 7 दिन और करीब लेकर आए हैं। पॉलिटिक्स की बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती डॉक्टर मुरलीधरन। सर फिर तो आप समझ गए होंगे कि मॉम हमारे लिए क्या मायने रखता है। I will do whatever I can. Thank you. We are 1 hour 30 minutes from the launch. मुरली, इतनी बारिश में लॉन्च नहीं हो सकता। I think you should call it off. लॉन्च नहीं हो सकता मतलब? इस बार सक्सेसफुल लॉन्च के एड्स बुक हो गए हैं। पर मैम इस बार इसमें लॉन्च करेंगे तो रिस्की हो जाएगा। सर के ऊपर के बादल नहीं प्रिडिक्ट कर सकते आप लोग। और मार्स पे जाना है। कमाल का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है हमारा। एक्सक्यूज मी मैम। ये तो मैं पहले से कह रहा था मैडम। इज कोऑर्डिनेटिंग विद द मेट डिपार्टमेंट नॉट पार्ट ऑफ द लॉन्च प्रोटोकॉल? आस्क हिम। ही थिंक्स वी आर फूल्स। Launch site status confirmed, and the showers are still on. Mission director to range operation director, showers are still on. Sir, launch site phone. Yes. मुझे पता है बारिश हो रही. Do not stop the countdown. I repeat, do not stop the countdown. ये आप क्या कर रहे हैं डॉक्टर मुरलीधरन? वेदर के कारण मिशन अबॉर्ट होना एक्सेप्टेबल है, फेल्ड मिशन एक्सेप्टेबल नहीं होगा। मेरी टीम ने अपनी जिंदगी के 18 महीने दिए इस मिशन के लिए। न्यू दिल्ली कम से कम उनको आधा घंटा और तो दे सकती है ना? हेलो लॉन्च साइट, मिस्टर सेवन, नंदिता। मैंने अभी लॉन्च साइट पे पता किया, वहाँ पे सिर्फ बारिश हो रहा है। And that's enough. No, it is not. I know as usual तुम्हें फिर से लगेगा कि मैं सेल्फिश होके बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। नंदिता, trust me, today is different. आज ना मेरा ambition matter करता और ना ये बारिश। लॉन्च साइट पे बिजली नहीं कड़क रही है, सिर्फ बारिश हो रही है। Correct. सर बारिश अभी तक रुकी नहीं है। How long can you wait? 150 सेकंड के बियॉन्ड मिशन को अबॉर्ट करना मुश्किल होगा। सो वी हैव 60 सेकंड्स टू टेक अ कॉल, राइट? यस सर। आपने एक घंटा मांगा था, आपको एक घंटा दिया। अब आप सोच क्या रहे हैं? प्लीज कॉल इट इन। अबॉर्ट द मिशन डॉक्टर मुरलीधरन, जस्ट अबॉर्ट द मिशन। Please. Hello. Sir, we have only 30 seconds to abort. Sir. What are you doing? Sir, please. Mission abort करने की ज़रूरत नहीं है. As per launch protocol, ESLV के circuits lean safe है. इसका मतलब खतरा सिर्फ lightning से है. जो आज नहीं हो रहा है. Are you sure of this? Yes, sir. I have checked. Sir, please, sir. We are going for the launch. I repeat, we are going for the launch. Mom is going to Mars. Yes. Mom. All stations, Mission Director has given authorization for the launch. I repeat, Mission Director has given authorization for the launch. Getting set for your mission. Copy that. ESLV's main engine is ready to start. Check level 3 signal frequency. Confirming FDS is on. Generator is happening. Doctor, copy that. Automatic loss. Copy. Read the confirmation ahead. All stations confirm flight safety is green. Confirming flight safety is green. Copy. Standing by for PSF uplink. Copy that. Booster. ISS system. ABS.
आपके क्लाउड्स के ऊपर जो है उससे आज हमारी साइंस ने हरा दिया। डोंट स्पीक टू सून, अभी 622 मिलियन किलोमीटर्स बाकी है। लास्ट किलोमीटर, लास्ट सेकंड, लास्ट स्पेस मैन्यूवर तक कुछ भी हो सकता था, कुछ भी। आज से 9 महीने पहले हमने जब ये मिशन शुरू किया था तो हमें इसी दिन का इंतजार था और शायद डर भी। 200 सेकंड हुए। I think we have lost the satellite. किस लिए? तुम्हारी जिद, ईगो के लिए? ये सब कैसे हुआ स्वामी? फोर्थ रेवोल्यूशन में इंजन ने रिस्पॉन्ड नहीं किया सर। इसका मतलब सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को तोड़ नहीं पाएगा। What are our options? Honestly, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सर। Gosh. एक रास्ता है सर, नीतू। सर, फिफ्थ रेवोल्यूशन में हम लोग इंजन को उसके प्रीप्लान ड्यूरेशन तक ही फायर करेंगे। But that won't be enough. Correct. इसलिए हम लोग इंजन को एक बार और फायर करेंगे। और उसका फ्यूल कहाँ से आएगा? फ्यूल है सर। वो फ्यूल मॉम के कोर्स करेक्शन के लिए है। अगर टेलीमेट्री टीम की कैलकुलेशन में कोई एरर हो और मॉम रास्ते से भटक जाए तो उस फ्यूल को हम मॉम को सही रास्ते पे लाने के लिए यूज करेंगे। मेरे कैलकुलेशंस में कोई एरर नहीं है सर। सर, दिस आइडिया इज नॉट वर्केबल। कोई भी सैटेलाइट 622 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस बिना कोर्स करेक्शन नहीं जा सकता। स्वामी, आपकी अप्रिहेंशंस वैलिड है। अगर कोर्स करेक्शन की जरूरत पड़े और मॉम के पास फ्यूल ना हो, देन मॉम विल फेल इन डीप स्पेस। लेकिन अगर हम कोर्स करेक्शन का फ्यूल बचाने के लिए सिक्स्थ बर्न ना करें, देन सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को तोड़ नहीं पाएगा, एंड मॉम इन दैट केस विल फेल ऑन अर्थ। इसका मतलब है आप एक्चुअली? Yes. I have full faith in the abilities of the Indian telemetry team. Fifth revolution as pre-planned, one extra revolution to exit. ISA will follow the protocol suggested by Neetu. Thank you, sir. मुरली सोच क्या रहा है? यही सर कि बॉम्ब 622 मिलियन किलोमीटर जाएगा। विदाउट एनी कोर्स करेक्शन? कोर्स करेक्शन के लिए फ्यूल है ही नहीं। He has lost it. I think ISA needs a new chief. और maybe an old one, sir. अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रोटोकॉल नाम की कोई चीज है। और अगर चला गया तो? क्या? बॉम्ब 622 मिलियन किलोमीटर दूर मार्स तक बिना कोई कोर्स करेक्शन। क्या बात कर रहे हो विनायक, तुम भी तो साइंटिस्ट हो। अरे ये एडमिन डिपार्टमेंट देखते देखते इनकी सोच। साइंटिस्ट हूँ सर, साइंटिस्ट ही हूँ और एक लॉयल इंडियन भी। तुम कहना क्या चाहते हो? हम लोग वो नहीं हो जो लोग इंडिया की हार के बारे में सोचकर खुश हो सकते हैं, वो लोग इंडियन हो ही नहीं सकते। भारत माता की जय। क्या हो गया सर? पता नहीं। हमने मॉम के लिए एक एक्स्ट्रा इंजन बर्न का डिसीजन ले लिया था। ये बर्न मॉम को एक एक्स्ट्रा लाइफलाइन तो दे देता, पर बदले में ऑलमोस्ट सारा फ्यूल खत्म कर देता। खैर, चांस तो लेना ही पड़ा। दिस इज इट, द सिक्स्थ रेवोल्यूशन। मॉम का अर्थ को छोड़ने का टाइम आ गया है। स्वामी, fire the engine. Six burn initiate. Engine fire kar raha hai. 112 seconds bas. Pata hai. Sending test signal in 5, 4, 3, 2, 1. Congratulations, we have a good fight. मॉम के अर्थ को छोड़ जाने की खुशी सबके चेहरे पे थी, पर 622 मिलियन किलोमीटर के इस सफर में मॉम के लिए क्या क्या इंतजार कर रहा था उसका डर कोई दिखाना नहीं चाहता था। आज ये पता चलना था कि मॉम ने 622 मिलियन किलोमीटर्स का सफर सही सलामत पूरा किया था या नहीं। 9 महीने तक मॉम का इंजन स्पेस में सो रहा था, आज उसे जगाना था और फ्यूल ना के बराबर।
क्या हमारा डर सही था या हमारा विश्वास, ये जानने का पहला मौका आ चुका था। Requesting permission to go for test burn, sir. Permission granted. Short burst रखिएगा, 3 seconds or less. हमारे पास fuel नहीं है. I know my job, Miss Neetu. Feedback signal नहीं आ रहा. Is it? Shut up. अभी तक हमारे command signals मॉम तक पहुंचे ही नहीं होंगे. Was alive, and so were all the gadgets aboard. Everything was perfect. हमारी कोशिश ने हमें मार्स के कगार पर खड़ा कर दिया था, वो भी बिना कोई course correction. 2 साल में हमें ऐसा पहली बार लगने लगा था कि अब कुछ गलत नहीं हो सकता, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि हम कितने गलत थे. तो due date कब का है? रजत ने तो बोला है 14th October, पर let's see इनका क्या plan है. तो तुमने मॉम के टेक ऑफ होते ही खुद मॉम बनने का प्लानिंग स्टार्ट कर दिया. मार्गशीर्ष षष्ठी यमगंधा 11 Jan 12:33 AM. व्हाट? वाओ, तुमने ये सब भी कैलकुलेट किया था? आई एम श्योर स्वामी और उसकी टीम ने सिस्टम्स रीबूट किए हैं. रिलैक्स मौसमी, सारे सिस्टम फर्स्ट लॉन्च डेट के पहले रीबूट हुए थे. मेल आ गया था मेरे पास स्वामी टीम से. स्वामी और उसकी टीम ने लॉन्च डेट शिफ्ट हो जाने पर सिस्टम रीबूट नहीं किए. मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ेगा. इसमें बहुत टाइम लगेगा मौसमी. कितना? पता नहीं. पता नहीं मतलब कितना? एक हफ्ता, 10 दिन, एक महीना, कितना? 12-24 घंटे. तो चलो फिर तुम मैच करो, मैं मीटिंग करती हूँ. मास का ऑर्बिट इंसर्शन रिकैलकुलेट करना है. हॉमन की टेलीमेट्री इंजीनियरिंग की बुक. लाइक आई सेड अर्लियर सर, मॉम माइट हैव अ राउंड अप एरर. और आपने ये सस्पेक्ट कैसे किया? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? सर, हमने अपने सिस्टम्स को रीबूट करके अपने कैलकुलेशंस को अक्टूबर 28 के प्रपोज लॉन्च डेट के अराउंड बेस किया था, लेकिन वो डेट कैंसिल हो गया और लॉन्च 5 नवंबर को हुआ. तो चेंजेस इनकॉर्पोरेट करने के लिए ना तो सिस्टम रीबूट हुआ और ना ही कैलकुलेशंस. सर, सिस्टम को रीबूट नहीं किया गया क्योंकि आवर सिस्टम नीड्स टू बी रीबूटेड ओनली वंस इन 6 मंथ्स. और रही बात रीकैलकुलेशन की, तो हमारे सिस्टम ने रीकैलकुलेट किया और हमारे सिस्टम ने कोई भी चेंज सजेस्ट नहीं किया. Is Miss Moshmi saying that उन्हें हमारे कंप्यूटर से ज्यादा पता है? I'm sorry sir, मगर हाँ, मुझे लगता है हमारे कंप्यूटर्स ने एक एलिमेंट्री मिस्टेक किया है सर, और वो हमें इमीडिएटली करेक्ट करना पड़ेगा. मंगल कह रहा गलत है. लो, drink this. And then obviously this changes. मंगल कह रही भी गलत है. Okay, okay. Are you okay? सर, लॉन्च डेट शिफ्ट होने की वजह से मॉम की ट्रैजेक्टरी भी शिफ्ट हुई है. हाँ, 0.00056800072 degrees. Exactly, and that's 12 decimal points. जबकि हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स सिर्फ 10 decimal points तक ही कैलकुलेट करते हैं. क्योंकि beyond the 10th point of decimal, changes are negligible. सर, हमने ये सिस्टम चंद्र विमान के टाइम सक्सेसफुली यूज किया है. मून 0.3 million kilometers दूर है और मार्स 622 million kilometers. सर, जब डिस्टेंस 2000 गुना ज्यादा बढ़ जाता है तो सिस्टम का राउंड अप वेरिएशन भी 2000 गुना एग्जैजरेट होता है. सर, इस बात का कोई गारंटी नहीं है कि जो सिस्टम मून तक चला वो मार्स तक भी चलेगा. एग्जैक्टली. यू कांट बी सीरियस सर. यू कांट चूज टू रिलाई ऑन अ वुमन एंड नॉट ऑन द वर्ल्ड सेकंड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर. 132.6 seconds सर. हमें मॉम को मार्स के अराउंड ऑर्बिट कराने के लिए मॉम के इंजन को 132.6 सेकंड्स तक बर्न करना होगा सर. सुपर कंप्यूटर्स के कैलकुलेशन से 1.2 सेकंड ज्यादा. यस सर. सर, दिस कुड मीन मॉम ऑर्बिटिंग मार्स
और क्रैशिंग इनटू इट। यस एग्जैक्टली, ये 1.2 सेकंड्स डिसाइड करेगा कि स्पेस रेस में इंडिया चाइना को बीट करेगा या नहीं। और अगर वो ये करने में सफल होती है तो भारत दुनिया का ऐसा पहला देश होगा जिसने ये कारनामा अपने पहले ही अटेम्प्ट में पूरा कर लिया। और ये देखने के लिए भारत के पीएम आज आईएसए आए हुए हैं। आज डेट था 18 महीने से 130 करोड़ इंडियंस जो सपना खुली आंखों से देख रहे थे, आज वो सपना सच होने के कगार पे था। मार्स मॉम के नजरों के सामने था और पूरी दुनिया की नजरें मॉम पे और आईएसए पे टिकी थी। ऑनर तो पूरे देश के लिए है। आज हम चाइना को पीछे छोड़ने वाले हैं। छोड़ने वाले हैं कि नहीं? जी जरूर, एब्सोल्युटली सर। मौसमी, क्या गोन टाइम डिसाइड हुआ? हम बताया नहीं। बता दिया क्या? 132.6 seconds. Sir has decided to go with our calculations. Good job. मतलब अगर ये मिशन फेल होता है, तो it's all because of you. Time for Mars orbit insertion 26 minutes. PSOC speed starts AP display recorder. RTS recorders running. Engine one starting in 25 minutes. अब शुरू होता है सुपर कंप्यूटर वर्सेस अस। मिशन इनके बस की बात नहीं है। इन औरतों ने पूरा मिशन खराब कर दिया। आज हमने सिर्फ एक सैटेलाइट को नहीं गवाया, बल्कि 70 साल से कमाया हुआ रिस्पेक्ट गवाया है। पता है यार, यू नो ASA का पहला मिशन टू मार्स भी फेल हुआ था। Waiting for signal from mom.
ऑर्बिट और इसी के साथ भारत ने चाइना को स्पेस रेस में पछाड़ दिया है। ना सिर्फ आईएसएस बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व का दिन। बधाइयों सर, आपने पूरे देश का नाम रोशन कर दिया है। सर, दिस इज द टैलेंटेड टीम ऑफ आईएसएस। आज हमने इतिहास रचा है। आज मंगल को मॉम मिल गई। कहते हैं माँ कभी निराश नहीं करती, मॉम ने भी नहीं किया। 18 महीने की तैयारी और 9 महीने के सफर के बाद मॉम मार्स के ऑर्बिट में था। दुनिया हमें एक नई नजर से देख रही थी और थैंक्स टू मॉम हमारा भी दुनिया को देखने का नजरिया बदल गया था।